सुन बे, जितने आतंकवादी वहां पाकिस्तान में बैठे और तुम्हारे शरीर, तुम्हारे धड़ों पर जो सर है ना, हमारी अमानत है। जिस दिन चाहेंगे साले कराची, पेशावर, इस्लामाबाद से काट के ले आएंगे। जब तक दिए छूट सर रख के घूमने की, घूमो, औकात में रहना। एंटी इंडियन एक्टिविटीज में सूरत के सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति पंडाल पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, तोड़ फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। इससे पहले वो हमला करें, आइडेंटिफाई करो, घर में ठोको, खत्म। भारत की पूरी पुलिस फोर्स को 30 दिन का टाइम दीजिए और 300 नाम दीजिए। 30 दिन का टाइम, 300 नाम। इस देश के अंदर मैम चुंगे भी लिमिट में आ जाएंगे, पुंगे भी लिमिट में आ जाएंगे। मारो, इंतजार मत करो, मारो, फाड़ दो बीच में से। बलात्कार से बेहतर है डाल दो उसको, काट दो अगर दो गवाए होंगे। सीधी सी बात है, आज एक बात है, कलकत्ता में जो बेटी के साथ हुआ, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बैठ के इस तरफ, एक पांव बैठ के इस तरफ मिला गया। अगर आप बलात्कार में हिंदू मुस्लिम ढूंढोगे तो कलाब की बेटी सुरक्षित है क्या? यही बात है ना कि बेखबर काले उजाले रात तेरी सो रही है और गोष्ठी शीशों के घर में पत्थरों की हो रही है। शीशा कब तक बचेगा? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। इन्होंने देश के लिए अपनी लाइफ समर्पित किया है और एक मिशन पे है, अपनी लाइफ को इन्होंने एक मिशन बना दिया है कि देश के लिए जो भी करना है देश के लिए करना है। मैंने इंट्रोडक्शन ने एक याद तो किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंट्रोडक्शन की भी इन्हें किसी भी तरह की जरूरत है, बिकॉज ही इज लेजेंड। आप बस इनका कॉन्वर्जेशन सुनना, यू विल जस्ट लव इट। सो प्लीज वेलकम ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भरद्वाज। शिफू जी नमस्ते, वेलकम वेलकम वेलकम। वंदे मातरम, कैसे हैं आप? वैसे मैम खतरनाक जैसे जी। अभी पॉड शुरू होने से पहले, जैसे शूट होने से पहले हमने कई सारी बातें करी, लेकिन मुझे लगता है वो सारी बातें लोगों को भी पता होनी चाहिए। करेक्ट, थोड़ा कुछ करेक्ट। बहुत सिंपल है आप, मुझे लगा जिस तरह जिस तरह का काम आप करते हैं, काफी प्रोटोकॉल्स होंगे, काफी सिक्योरिटी होगी, बट बड़े सिंपल हैं आप। मैम सिक्योरिटी तो है जी, और दो चीज की है कि आप या तो इंसान की सिक्योरिटी में भरोसा करें या उसकी। तो अपना भरोसा ये है कि मैम जब उसने दिया है जीवन, मेरी भगवती महाकाली जब तक है मेरे साथ, सिक्योरिटी ये सब मैं हमेशा ढगोसले मानता हूँ जी। आपके घर आ रहे हैं, आपके एक जगह पर आ रहे हैं, मैं अपने आप को बड़ा दिखा के किसी को छोटा करने की जरूरत क्या है? आप बस इतना सा है। तो सादगी तो ये है कि मैम आप शायद ये वही वाली बात है ना कि कार खरीदे जा सकती है पैसा देकर, संस्कार में। तो मैं संस्कारों का भरोसा, मेरी माता पिताजी ने संस्कार दिए हैं कि किसी से मिले तो ऐसे मिले कि वो आसमां आप समझे। आप ये बताइए, अब्दुल हमीद साहब जो थे, अब्दुल हमीद साहब की बहुत बड़ी कहानी मैं करने जाऊंगा तो वो पॉडकास्ट ही उस पर हो जाएगा, लेकिन उदाहरण बताता हूँ। जिस आदमी ने अकेले ने टैंक छोड़ा दिए पाकिस्तान के, क्या व्यक्ति होंगे, ग्राइंडर, मतलब जो ग्रेनेड है उसकी एक पहचान बना दी। तो अब्दुल हमीद साहब इसलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इसलिए, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बाप से ज्यादा, मतलब बहुतों के बाप है वैसे वो, उनमें से औलादों में छोटे से छोटा। अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो मैं आप बात कर रहा हूं उनके बारे में, सोच रहा हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए वो मैटर करते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें, लेकिन जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है तो मैम सर ने, मतलब जिसको जमीन में भी गाड़ देना तो भी इज्जत कम है उनके लिए, वो अलग है। मतलब क्या किया उनने वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब क्या चरित्र होगा उनका, क्या कैरेक्टर, जानता राजा जो शब्द आया, जनता का राजा। तो 1% भी अगर पॉलिटिशियन भारत का, भारत का अगर कोई भी 1% भी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हो जाए तो राष्ट्र बदल जाए मैम, क्योंकि बहुत सारी चीजें की छत्रपति शिवाजी महाराज ने। रही बात शहीद आजम की, तो शहीद आजम मैम ऐसा है कि एक कमाल की बात है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मैं इनको प्रमोट करता हूं या मैं पहनता हूं, मैम बहुत छोटा आदमी हूं मैं, मेरी औकात है इनको प्रमोट करने की, ये करके चले गए। हाँ। हमारी औकात के बहुत ऊपर है ये चीज है। हाँ, हम उनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं, हम उनको सम्मान दे सकते हैं जी। मैं क्यों पहनता हूँ, उसके बहुत सारे कारण है।
एक कारण तो सबसे पहले ये क्यों मैं प्रमोट करूं किसी विदेशी ब्रांड को, ये कौन सी बात हुई कि आपने एक महंगी चीज पहन ली। मैं देखता हूं मेरे साथ के कुछ लोग हैं, मुझे थोड़ा सा उनसे इस बात की प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या रह गई नीचे से ऊपर तक, तुमने इस ब्रांड के जूते पहने, फिर ये टूची पूजी लगा लिया, फिर तुमने ये ब्रांड पहन लिया, चश्मे कितना महंगा। सीधी सी बात यह है, जूते, ट्राउजर, शर्ट, चश्मा और ये एसेसरीज, घड़ियां, अगर ये आप अपनी औकात दिखाने के लिए रखे तो आपकी औकात वैसी कम हो चुकी है। मेरा ब्रांड ऐसा है ना मैम कि तुम्हारी कितनी, तुम 2 करोड़ की घड़ी पहनोगे, 50 करोड़ की घड़ी पहनोगे, ठीक है, और आप कुछ भी, ये जो है ना मैम, इससे बड़ा ब्रांड मैं किसी को नहीं मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रांड की अगर बात करें, ब्रांड वैल्यू, छत्रपति शिवाजी महाराज वो ब्रांड है, और वो किस बात का ब्रांड है, वो जिन जिन बातों का ब्रांड है उसमें सबसे पहली चीज आती है सम्मान अपनी माँ का। अब उसमें माँ धरती भी आती है और खुद की भी माँ आती है जी। तो बहुत सारी चीजें, राजे की बात अलग है। मैं तो महाराज पे रो भी सकता हूँ, महाराज पे बात भी कर सकता हूँ, महाराज पे अभिमान भी कर सकता हूँ। तो पहला तो ब्रांड की बात हुई, सबसे बड़ा ब्रांड मैंने पहना छत्रपति शिवाजी महाराज। रही बात शहीद आजम की, पहली जमानत हुई थी 61,923 रुपए में, 61,000 रुपए 1926 में क्या वैल्यू रखता था सरदार किशन सिंह साहब के बेटे। अरे मैम आधा पंजाब का खसरा जिन लोगों के पास हो, इतने बड़े जगह से आते थे, इतना बड़े। तो याद रखिएगा, बलिदान ना, बलिदान के लिए राजस्व खून में, मतलब बलिदान के लिए राजशाही खून में, बलिदान के लिए आपका शाही होना जरूरी है। चिंदी चोरों से बलिदान नहीं होता है, चिंदी चोर ब्रांडिंग अपने नाम की बना के निकल जाएंगे। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं कोई एहसान थोड़ी किया, राष्ट्र है, माँ है, एक औलाद अपनी माँ के लिए, सलम माँ के लिए नहीं जिएगा तो किसके लिए जिएगा फिर, तू माँ है मेरी, मैम मैं उसके लिए जीऊंगा, मेरी औकात है, मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं। जन्म दिया कोख में जिस रखा, उसका कर्ज नहीं चुका सकता हूं, तो फिर तो इसने मेरी भी मां को जन्म दिया, पाला मेरे लिए, मैम मेरी मां है, मैं क्या करूंगा इस राष्ट्र के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ने, शहीद आजम जैसे ने, अब्दुल हमीद साहब आप बात कर रहे हो पैसे की, अरे उसने टैंक जितने की उड़ा दी तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की। तुम 2-4 10 हजार की रोल्स रॉयल में, तुम 2-4 10 करोड़ की बेंटले में घूम लोगे, बड़ी मर्सिडीज में घूम लोगे, तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो। अरे उसने तो उतने टैंक्स उड़ा दिए, उसने टैंक छोड़ा दिए। मेरी भाषा के लिए मैं आपसे बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं मैं मांगूंगा नहीं। मैंने क्या बोला आप सुनिए, मैं अपनी भाषा के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। क्यों? मैं आपके लिए अपने आप को नहीं बदलूंगा एक पॉडकास्ट के लिए। कारण मैं यही तो सिखा रहा हूं, जो हो रहो ना, मैं अपनी बहन से जैसी बात करता हूं, अपनी बेटी से जैसी बात करूं, मैं आपसे वैसी बात करूंगा। मेरे को आपको इंप्रेस करने की जरूरत क्या, मैं नहीं करना चाहता, क्यों करूं, नहीं करना मुझे। हम कह ही नहीं रहे सर आप जैसे, मैं आपको जो आपकी बात अगर मेरी कोई बुरी लगी उसके लिए क्षमा मांगूंगा, क्योंकि हो सकता है वो त्रुटि मेरे अज्ञान से हुई हो, मैं अज्ञानी हूं, अनपढ़ हूं। लेकिन जहां बात आती है शत्रुओं को जिस भाषा में समझाना चाहिए, वैसे ही ना, छत्रपति शिवाजी महाराज, शहीद आजम, भगत सिंह साहब, क्या जरूरत थी एक बच्चे को ना जो इतना बढ़िया पढ़ते थे, 19 भाषाओं का ज्ञाता थे शहीद आजम, वो थिएटर करा करते थे। लोग कहते हैं मैम कि जब वो गुजर जाते थे ना तो लड़कियों को पकड़ना पड़ता था। कहा जाता है कि शहीद आजम जब गुजर जाते थे, मतलब क्या खूबसूरत इंसान। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वही बात कहेगी कि बाप रे, मतलब इतिहास में महाराणा प्रताप साहब और छत्रपति शिवाजी महाराज और राजपूतों का इतिहास में क्या लगते हैं बनना, क्या हुक्म होते हैं, वो बात है ना कि कैसे बने जी। वो अभिमान के कारण होता है ना, उनका अभिमान सबसे बड़ी इन सब चीज में, सब में एक खासियत थी ना, ये सब सीधे थे, टेढ़ टांग पे नहीं खड़े थे, टेढ़े नहीं घूम रहे थे। तो ये ब्रांड तो मैम उनका शरीर उनका ब्रांड था। जब खड़े होते थे तो लगता था बापरे कोई आ गया। शहीद आजम को देखकर लोग इंप्रेस नहीं होते थे, मैं पागल होते थे, कहते थे ना कि पागल कर दे कोई। जो उनकी पर्सनालिटी थी, उनसे बहुत कुछ सीखने को। ऐसे ही अब्दुल हमीद साहब, मैम एक इंसान जिसने तबाही मचा दी पूरे पाकिस्तान के कैंप में। तो ये जो मैं पहनता हूं उसके पीछे का राज क्या, इनसे बड़ा मैं किसी को ब्रांड नहीं मानता। रही बात ये ब्रांड, मैं तो कहता हूं भगवती मेरे पास माई इतना पावर तो नहीं है, लेकिन कभी हो तो फिर हम बताएं कि ब्रांड होता क्या है हिंदुस्तान में। क्योंकि जब तक आप विदेशी ब्रांड्स को प्रमोट करते रहेंगे, आपका स्वदेशी कहना सिर्फ फ्रॉड है। ब्रांड ये होना चाहिए ना, क्यों नहीं हर गली का नाम उन पर पड़ता है जिनने मैम इस वतन के लिए अपना सर्वोच्च दिया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जवानी देती है। सबसे बड़ी चीज क्या, आदमी पीक पर कब होता है, जवानी में। जवानी में फांसी लड़ देना। छत्रपति शिवाजी महाराज जंगलों में रह रहे के, महाराणा प्रताप साहब, बप्पा रावल साहब, सोचिए क्या क्या मैम इतिहास में। तो बप्पा रावल साहब का एक सही पेंटिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ये भारत की सबसे बड़ा अपमान है।
मैं उनकी पेंटिंग नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैम। आर्काइव्स कहां पे मिलेंगे आपको? ईरान में मिलेगी। यहां से मारते ले गए थे, यहां से बप्पा रावल साहब यहां से मारते ले गए थे। उम्मेद खलीफा ने जब अपना मेन आदमी भेजा, उनने भेजा मोहम्मद बिन कासिम, यहां से कूटते ले गए थे बप्पा रावल साहब, चप्पले मारते ले गए थे ईरान तक। और उसके बाद 417 साल तक हमला नहीं कर पाए कोई भारत पे। ईरान ईरान इतनी चर्चा कर रहे हैं, कूटा है उस समय बप्पा रावल साहब। सोचिए चीज है ना सर, ट्रेजेडी यही है ना कि हमने टेक्स्ट बुक्स में भी बताया ही नहीं और सिखाया ही नहीं है। हमने प्रमोट किया है इन्वेडर्स को, हमें छोटा छोटा पार्ट भी मेंशन नहीं किया है हमारे जो हिस्ट्री में, जो हमारे लिए जैसे जो राजा महाराजा भी थे उन्होंने जो भी किया था, जैसे अभी मैंने रिसेंटली साउथ के ऊपर भी किया जी जी। जो कोई मेंशन नहीं है किस तरह उन्होंने रूल किया या क्या वेल्थ थी या क्या किया उन्होंने, कुछ मेंशन नहीं है। मैम आपने साउथ का नाम लिया, एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि साउथ जितनी साउथ, जैसे हम बात करते हैं ना सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे लोग कहते हैं साउथ इंडियन, नहीं, द इंडियंस हु कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ सदर्न, सदर्न इंडिया, साउथ से जो आते हैं जी। उत्तर भारतीय हो गए जो उत्तर से आते हैं, करेक्ट, दक्षिण भारतीय हो गए, लेकिन साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। मैम इन सबसे बड़ी एक चीज क्या है, आप अगर एक आप चोला एम्पायर की बात कर ले, हम वहां पर पांड्यास की बात करें, वो जो एम्पायर थी क्यों नहीं वहां तक घुस पाए मैम? बहुत सारे रीजन थे उसके, बाउंड्रीज इतनी करेक्ट थी। दूसरा, जब हम मराठा उस समय आपको एम्पायर की, लेकिन वो मैं उस ज्ञान में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि क्या है सब इंटरनेट पे है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, पद्मनाभन मंदिर के मैम सिर्फ 2 या 3 द्वार खुले थे, 2 खुले थे, तीसरा खोल ही नहीं पाए मैम। उसमें जितनी वेल्थ निकली है ना, अगर वो डिक्लेयर करके सिर्फ साउथ के मंदिरों में या हमारे भारत के जितने मंदिरों में सोना है, अगर हम डिक्लेयर बस कर दें और भारत सरकार के पास उसका पूरा करेक्ट डेटा हो ट्रस्ट के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, मैम मैं सच बता रहा हूं आपको, $1, $100 की औकात ₹1 बराबर हो जाएगी। अगर सिर्फ हम अपनी वेल्थ, जो भारत की वेल्थ है, हम उसको बता दें। कमाल की बात देखिए, आपको वेस्ट दिखाएगा, व्हाइट हाउस दिखाएगा, अरे बावड़ी पूछो, व्हाइट हाउस की तुम बात कर रहे हैं। एक हमारे जब सिंह शीर्ष बोलते हैं, अगर साउथ के मंदिर, नॉर्थ के मंदिर, किसी भी एक बड़े मंदिर में से सिंह शीर्ष, जो शेर का मुख जो है, अगर सिर्फ एक शेर का चारों में से, अशोक स्तंभ के जो जो मौर्य से आता है, डायनेस्टी से आता है, मैं कहता हूं कि अगर एक सिर सिर्फ बेच दिया जाए ना, उसका वजन करके, जितने बड़े वजन मैम 80-80 किलो, 90-90 किलो, 1-1 लाख किलो, 1-1, 2-2 टन के पत्थर, उसके ऊपर सोना रखकर मंदिर कैसे बनाए गए होंगे। आप आज निकम्मे करते हो, रोड बनाती है सरकार, क्या अलग लेवल का करप्शन है, इनको क्यों नहीं हाथ पैर काटे जाते, इनके समझ में नहीं आता। इनने रोड बनाई, 6 महीने नहीं चल रही, और वो बना के गए एम्पायर्स ने, और कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे अगर आप पूरे किले देखें, आज भी, आज आप राजपूतों के किलों को चले जाइए, आप मेवाड़, पूरी की पूरी मेवाड़ रियासत देख लीजिए, आप घराने देख लीजिए जो राजपूतों ने उस समय काम करवाए, जो गुजरों का था, गुजरों के समय की आप बात कर लें, आप जाटों के समय की बात कर लें, मराठों के समय की बात कर लें, 36 बिरादरी की अगर हम बात करें, जो पुराने लोगों ने काम किया आज तक, निर्माण उसका 2 कारण, 1 ईमानदारी, जो व्यक्ति को जिस चीज का पैसा मिलता था वो अपना काम करता था, ठीक है, उसको कहा नक्काशी, तो वो नक्काशी पे फोकस करेगा, आज की डेट में नक्काशी के अलावा सब पे फोकस करेगा। तो जो मकारी करप्शन आया ना, ब्लड में आ गया है, सुधर जाएगा, सुधरना पहले से बेहतर है और सुधरेगा। साउथ अगर सिर्फ सिंह शीर्ष एक अगर अनाउंस कर दे, तो मैम 4 व्हाइट हाउस बना ले, हम हर मंदिर के एक सिंह शीर्ष उठाइए, मैं बोलता हूं 5 लाख सिंह शीर्ष उठाएंगे भारत में, सिर्फ शेर के मुख, आप उसकी बिडिंग करवा दें, हम बेचने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके वैल्यूएशन निकाल लें। पूरा गेम किसका है मैम? जैसे यूनिकॉर्न 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 चिल्लाते हैं, क्या यूनिकॉर्न किसी ने देखा आज तक? उड़ता हुआ घोड़ा है, होता ही नहीं है भाई, सत्य में हवा है बस यूनिकॉर्न की, तो हवा अंग्रेजों ने बनाया सिलिकॉन वैली से। अच्छा, सिलिकॉन वैली चला कौन रहा है हिंदुस्तान में? 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट और डिविजन है मैम जो सिलिकॉन वैली पूरी चलाते हैं हिंदुस्तान से बैठ के, क्योंकि मैन पावर तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमको चैनलाइज करना पड़ेगा। वही बात है मैम, आपने कहा टेक्स्ट बुक की बात है, टेक्स्ट बुक अनपढ़ गधे बेवकूफ नालायक लिखेंगे तो कहां से ज्ञान की बात आएगी? गुरुओं को आपने गुरु चेक पे बिकते रहेंगे तो इस वतन का कुछ नहीं होने वाली है। राष्ट्र जाना जाता है संत फकीर गुरु एकता अखंडता के कारण। एकता अखंडता शब्द क्यों आया? हम कहते हैं आप हटवा दो संविधान में से तो हम भी एक साइड के हो जाए, ये लिखा है ना मैम, एकता अखंडता भारत की पहचान है। जी जी जी। क्यों पहना हूं मैं? मेरे लिए सबसे सरल है मैम, इन तीनों को हटा के एक कोई भी ब्रांड नहीं। सबसे बड़ा क्या है मैम ब्रांड? सबसे बड़ा दुनिया का क्या है? एक कंपनी जिसको आप पहन रहे हो, या मैम भारत, मेरी ऐसा है मैम, भारत से बड़ा इसलिए ब्रांड नहीं, अगर इससे बड़ा कोई ब्रांड यूके, ये सब ब्रांड्स कहां के? यूरोप के हैं, यूएस के हैं,
मैम ये सब आए इधर पे भीख मांगते हुए, चोर बन के आए थे, उचक्के चिंदी चोर। आज लेकिन वो ब्रांड दिखाते हैं गुंडे बन के बैठे हुए। हमने अपने पे फोकस नहीं किया, इसीलिए सीधी सी बात है, स्वयं स्वयं क्या है, स्वयं सिद्धा बोलते हैं ना, मैम मंत्र आता है। आप जिस दिन भारत स्वस्ति वाचन समझ गया, अपनी औकात समझ जाएगा जी। क्यों कहा गया स्वस्ति वाचन में, मैम जब हरे ओम स्वस्ति स्वस्ति पूर्व विश्वेदाह, ये क्यों बताना चाह रहा हूं? एक तो हमारा ज्ञान है, हमारा वेद शास्त्रों से आता है। दूसरा मैम इसके अलावा रैप की आप बात करते हो, दुनिया का सबसे पहले रैप, हर चीज आप किसी पर भी बात करिए मैम भारत से गया हुआ है, मैं प्रूफ करूंगा आज। आप कोई भी चीज उठाइए, कुछ भी चीज उठाइए, आप टेलीविजन से लेके मोबाइल से लेके आप दुनिया की कोई भी चीज, मैं साबित कर सकता हूं। और मैं मैम डकैती और बकैती बहुत देखी है दुनिया में, तो मैं इन दोनों से थोड़ा दूर मैं बात करता हूं। मैं आपको पन्ना नंबर बता दूंगा इन्हीं की किताबों में क्या लिखा हुआ है। हमारा क्या हो गया ना, जो आपने कहा एनसीईआरटी की किताबों में, जब तक आप चिंदी चोर मुगलों को और चिंदी चोर चुरकट, एक शब्द है चुरकट और चिंदी चोरों को जब तक आप ग्लोरीफाइड करेंगे, भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु के लिए पहले हमें खुद के गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा जी। आज आप संस्कृत के महाविद्यालय में आप एक संस्कृत के प्रोफेसर को बिठा लेंगे, एक गुरु को आप लाके दे, एक से ज्ञानी है मैम, एक से गुरु को चलते हैं भारत में। मैं अभी होके आया हूं, काम करके आया हूं गुरुकुल में, अरे बाप रे। लेकिन हमने संस्कृत के गुरुकुलों को मिटा दिया पूरी तरह से। योर मॉम ब्रो, योर मैन, अबे यो भी इधरी का है, यो करते रहते हैं। हरियाणा में जाइएगा, यो सबसे बड़े कहां बोला गया, बोले यो क्या बाबर हो रखे हो छोरो भाई, यो जो वर्ड है ना, यो क्या करे भाई, और यो करते रहते। भगवान श्री कृष्ण की देन है मैम, सब कुछ हमारा है, ये भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि अंग्रेजों का काम है तोड़ने का, करेक्ट। यो जो कर रहे हैं, यो है का, ये है ना, यो ऐसे बोलते, करेक्ट मैम। तोड़ दोगे तो अंग्रेजों का यो बन गया, जोड़ दोगे तो श्री कृष्ण है। वहां सुनिए मैम, संगीत में भी सबसे वाला तो यो ही हो ना जी। यो मारो कृष्ण है भाई, तो ये बात है ना कि यो जो कर रहे हैं सब कुछ हिंदुस्तान का मैम। हाँ, दे आर वेरी गुड सेल्समैन, वी आर द वर्स्ट इन दैट, हम बेच नहीं पाए और दुनिया चल रही है बिकाई पे मैम। आप क्या हो कोई लेना देना नहीं है जी। मैम आज आपकी वैल्यू इस समाज के इतनी बुरी हालत है मैम, आपके फॉलोअर से आपको आंका जाता, आपके ज्ञान से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शर्म इस बात की आ रही है कि एक व्यक्ति यदि फेमस है तो क्या करेक्ट है, लेकिन उनने उसको ब्रांड बना दिया तो बोले यार सही है। मैम आजकल पहले चलता था डॉक्टर इंजीनियर शिक्षक या फिर ये गुरु है। मैम जब तक इस देश में ना, मैं बहुत सालों से कहते आया हूं ITS नहीं होगा जी, तब तक ये देश का कुछ नहीं हो सकता। ITS सबसे इम्पोर्टेंट। ओके सर, अब हम थोड़ा करंट अफेयर्स की बात करते हैं, है ना। बांग्लादेश में अभी जो हुआ, एक कूप हुआ हम ये कह सकते हैं, राइट, जो कि एक सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट कहते हैं जिसे, वहां से शुरू हुआ। अब इस कूप से कुछ महीने पहले हमने शेख हसीना को एंटी US स्टेटमेंट्स देते हुए देखा था। अब उनके एंटी यूएस स्टेटमेंट्स देने के बाद उन्हें US ने भी अपने इसमें बता दिया कि इनवैलिड है ये गवर्नमेंट वगैरह। बांग्लादेश में US अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहती थी, जिसके लिए शेख हसीना ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हसीना ने इसको ठुकराने के बाद, क्या आपको लगता है कि ये कूप US द्वारा स्पॉन्सर्ड या वेल प्लान्ड था? क्योंकि अब बांग्लादेश अगर हम देखें, बहुत वी हैव सीन व्हाट हैपेंड, राइट। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन को आप कैसे देखते हैं? दो चीज है मैम, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि US का इसमें क्या रोल रहा है। हमको सीखना है कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ ना हो। क्यों हुआ, रीजन है, वो हो गया प्री और एक होता है पोस्ट। मैं पोस्ट पर भरोसा रखता हूं, क्यों? इतिहास जो हुआ वैसा एज इट इज बताइए। क्या आपके पास एज इट इज खबर है इसकी, एग्जैक्टली क्या हुआ उन 3 दिनों में? नहीं, जो भी आके आपके पॉडकास्ट पे गए वो झूठ बोलेगा, ये गारंटी देता हूं झूठ बोलेगा। क्यों मैम, दिस इज, आपको लगता है CIA अगर कोई एक बहुत बड़ा कोई कूप करेगा पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी एक तख्ता पलट, मैं बहुत सारी टेक्निकल चीजें बता सकता हूँ, उनका स्टूडेंट मूवमेंट कब शुरू हुआ, ASI का क्या रोल था, 71 के बाद कौन क्या आप मुजीबुर रहमान से, मैं पूरे एंगल। लेकिन मैम जो मेरे देश का युवा है, मान लीजिए जो जियोपॉलिटिक्स समझना चाहता है, दो चीजें हैं।
समझने से अच्छा ये देखो कि तुम पर उसका क्या असर होगा और हमको क्या बेहतर करना चाहिए। जैसे सीआईए इसमें इन्वॉल्व है, मैं कहता हूं मैं डिनाई करता हूं, ऑफ रिकॉर्ड बात मैं कैसे कर सकता हूं जी, आप मुझे प्रूफ दीजिए। रही बात बांग्लादेश, अच्छा सिर्फ हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हम कोई भी जो चीफ बैठा हुआ है आईएसआई का, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आईएसआई के चीफ के साथ पूरी की पूरी एक यहां के लेफ्टिस्ट की और पूरी की पूरी यहां पर जो एक्सट्रीमिस्ट है उनकी बैठक होती है लंदन में हीथरो, मैं कहां पे मैम किस होटल में कौन क्या रुकता है बहुत बड़ी कोई जानकारी होती नहीं, इंटेलिजेंस वर्ल्ड तुम्हारे पास भी बस नहीं है, हम लोग भी छोटा मोटा तो कर ही रहे होंगे ना, इतने साल से प्याज नहीं बिक रही, प्याज से याद आए इनके पास तो प्याज भी नहीं है, छोड़ देते हैं, तो इनके पास तो छिलके बस है उसी पे खाते हैं गरीब लोग, बट ठीक है, गरीब अंदर से गरीब से मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि चिंदी चोर गरीब, उसे आतंकवादी वो भी गरीब, मतलब गोली में भी थूक थूक लगा लगा के गोली चला रहे हैं, इतने गंदे लोग हैं, तो पाकिस्तान पे तो मैं डेढ़ घंटे बात कर सकता हूं। बांग्लादेश की बात यह मैम, जब ये बटा बताइए मुझे किस आधार पर बटा था, भाषा के आधार पर, बंगाली बांग्ला भाषी जिसको बोलते हैं वो बोलने वाले थे, उस समय किसका क्या रोल था आपको भी पता है, जो लेजेंड जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूं हमारे मानेकशॉ सर, लेजेंड की बात करते हैं भाई, एक बात बताइए हमने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, सरेंडर के बाद हैंडओवर किस बात पे हुआ था कि आप देख लीजिए आप चला लीजिए, तो अगर हमको इस पे आधिपत्य स्थापित करना होता तो देते क्यों, और अगर पाकिस्तान इसको हैंडल कर सकता होता तो ये बटता क्यों, क्यों ये वेस्ट बंगाल, क्यों ये ईस्ट बंगाल वाला ये होता ही क्यों जी, जी। रही बात आप कह रहे हैं कि मिलिट्री बेस बनाना था तो यूएस को तो यहां पर भी बनाना, यूएस को तो श्रीलंका में भी बनाना था, बट क्या इसमें जो आपको बताया गया क्या वो है? अच्छा एक बात बताइए, क्यों नहीं कोई बात करे कि इसमें चाइना का सबसे बड़ा एंगल है, एंड मैं सिर्फ टेस्टिमोनीज पे बात करता हूं, उदाहरण देता हूं आपको, सीआईए ने करा है, अच्छा सीआईए ने करा, सीआईए 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 का फुल फॉर्म आपको पता है, सीआईए के लोगों ने बताया, एफबीआई के बारे में बताया, मुझे आप बता दीजिए दो कंट्रीज की जरा सीक्रेट सर्विसेज के नाम बता दीजिए, जापान और चाइना। मैम सीक्रेट सर्विसेज का मतलब ये होता है उनका नाम तक नहीं आपको पता, उनकी सीक्रेट सर्विसेज का, उनकी स्पेशलाइज जो यूनिट्स है मैम, जो उनके कोवर्ट ऑप्स यूनिट्स है उनके बारे में आपको नाम तक नहीं पता है। अगर मैं चाइना की सिर्फ सीक्रेट सर्विसेज की बात करूं, मैं ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, 51% को तो नहीं पता, 49 फिर भी मैं एक बहुत बड़ा नंबर दे दे रहा हूं, नहीं पता है मैम, जो बड़े अपने आपको बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं, मैम गेम तो एस्पिनाज का अलग होता है ना, जिसने किया वो बड़ा नहीं होता है, जो इल्जाम दूसरे को दे सके वो बड़ा होता है। चाइना के, चलिए यूएस के ज्यादा काम का है बांग्लादेश की चाइना के, चाइना को इस पूरे रीजन में बांग्लादेश पर कब्जा करने में ज्यादा फायदा है कि अमेरिका को, हमारा शत्रु देश को, सोचिए क्या कमाल का गेम है मैम, यही तो इंटेलिजेंस की दुनिया है मैम, क्या स्पिनाच का गेम है, क्या पोट्रियल है इसका कि सी, अच्छा ये पंप जो किया गया पहला आर्टिकल इस बारे में, पहला आर्टिकल 19 महीने पहले चाइना का और तीन बड़े गार्डियन जैसे अखबार इस पर डालते हैं, That America wants this. उसके दो रीजन है, पहले तो अमेरिका और भारत की दुश्मनी करा दो, ठीक है, बांग्लादेश जैसे जहां मैम हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हमारे तो घुसपैठिए कहां से घुस रहे हैं, संबंध उस देश से अच्छे माने जाते जहां की बॉर्डर आसानी से एक्सेसिबल हो जी। क्या बांग्लादेशियों को भारत में सभी को पासपोर्ट लगता है, इसीलिए तो इतने आ गए यहां पर, उस पर हम आएंगे, हम आएंगे उस पर, लेकिन ये सवाल आप समझिए बहुत डीप है, क्यों आपका सवाल बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति ये पूछ सकता है, लेकिन मेरा मानना, मैं ओपन, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भी कुछ सवाल है, मैं उत्तर से ज्यादा भरोसा ये करता हूं कि सब रिसर्च कर ले। हमने कहा कि यूएस इसको, तो यूएस तो मैम गुंडा है ना, बनाया किसने इसको गुंडा, अमेरिका गुंडा है बनना, उसका बनता भी है ना, उसका बनता भी है, जो भी देश सेल्फ सफिशियंट होगा वो गुंडा होगा, हम हो जाएंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी क्या होती है, मतलब गुंडागर्दी एक छोटा नेगेटिव वर्ड है, बट वो पावर कंट्रोल करना चाहता है दुनिया भर का जी। अगर अच्छा दूसरी चीज ये क्यों नहीं किसी ने बताया कि पूरी दुनिया से जो बड़ी किडनैपिंग्स होती हैं वो बांग्लादेश में रखी जाती हैं, असेट्स हाई वैल्यू टारगेट्स और हाई वैल्यू असेट्स जो होती हैं उन सबको उठा के बांग्लादेश में लाया जाता है, इसकी कोई बात ही नहीं करता। कोलंबिया से क्या बांग्लादेश का पूरा एंगल है वो किसी को नहीं पता, जो हमारे इधर सबसे बड़ा जो साइबर स्लेवरी होती है ये क्यों नहीं बताया जाता कि एक थाईलैंड का तो एक्सपोज कर दिया कि चले थाईलैंड के रूट से कोलंबिया ले आओगे साइबर स्लेवरी होगी, साउथ के बहुत सारे लोगों को लेके गया, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि बांग्लादेश में क्या पानी का रूट बनता है बांग्लादेश के आसपास, आपके हिसाब से जहां जहां पानी बनेगा वो इजिएस्ट रूट होगा जी। क्योंकि आप जमीन कंट्रोल कर सकते हो बॉर्डर से, पानी कैसे करेंगे, बहुत टफ होता है, तो जहां जहां पानी लगेगा जहां जहां ऐसी चीज आएंगी वो कंट्रोल होंगे, तो इसके कारण बांग्लादेश से सिर्फ वो चीजें नहीं होती। अच्छा
इसके पीछे पूरा का पूरा ड्रग माफिया है वो है। अब आदमी बात करने लगे घूम फिर के ना, आदमी के पास तीन चीजें बनती है आजकल, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जब ज्ञान खत्म होने लगे तो बोले एल्यूमिनाटी। कौन तुम्हारे फूफा का लौंडा है मैं एल्यूमिनाटी, कैसे पता है तुम्हें एल्यूमिनाटी? ज्यूज लीड करते हैं पूरी दुनिया, आज कह रहा हूं बहुत बड़े वर्ड्स में। सो जब हम बात करते हैं कि एल्यूमिनाटी 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 है कौन, तुम्हारी बुआ के लौंडे है, तुम्हारे मौसी के बेटे हैं, तुम गोली खेले करते थे एल्यूमिनाटी के साथ, बोले एक साइन बना दिया बोले एल्यूमिनाटी हो गए। अरे अच्छा, अरे भैया ये क्या है, अब हम ये साइन बनाते हैं आपके पॉडकास्ट में, जाओ ढूंढ लो एल्यूमिनाटी, समझना सबसे दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनाटी है, ये बैठा है ना जो आदमी वो, अब बोलिए इसको एल्यूमिनाटी। सो आप रथचाइल्ड, आप बोलिए रथचाइल्ड का पूरा भाई ज्यूज ने कंट्रोल कर लिया, फिर आप इधर से आ जाओगे बोले 13 डबल फैमिलीज है, फिर आपसे बोलेंगे क्रॉसिल्स आ जाएंगे, फिर आप बोलेंगे वखातास आ जाएंगे। मैम ये है वर्जन्स और ये है कहानियां, सीधी सी बात है। मोस्ट अपडेटेड क्या है, मोस्ट अपडेटेड सिर्फ इतना है कि ये हुआ है आजू बाजू में, आप कैसे बचो। मेरा कंसर्न ये नहीं है उनके इधर क्या हुआ, सीधी सी बात है मैम, मैं हमेशा से कहता हूं उनका झंझट है, हमें झंझट बाजू वाले की इधर आग लगे तो अपना सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे इधर भी कोई ज्यादा दूरी नहीं है, जैसी चीजें हो रही है हाँ, ये सब डिपेंड करेगा अगला तीन साल कैसे गुजरता है। इसके लिए तो इसलिए नहीं है मैम, डरता वो है मैम जो ताकतवर नहीं होता है, जिसकी तैयारी में कमी हो। जितना मुझे पता है, मैं अपनी जितने इंटेलिजेंस पे भरोसा रखता हूँ, फोर्सेस पे भरोसा रखता हूँ, जितना हमारी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी चर्चाएं ना हो ना होना चाहिए, बहुत सारे लोग आके आपको बता सकते हैं कि आपको पता है इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, अरे तेरे को पता है और तूने डिस्क्लोज कर दिया, बेवकूफ आदमी, यही तो नहीं बताना था। तो मैम अगर कोई राज है, राज की कीमत सिर्फ इतनी है कि वो आपके साथ दफन होगा, तो जो ये जिन लोगों ने इसके हेड किया है मैम, अच्छा दूसरी चीज भारतीयों को क्या सीखना चाहिए वो एक अलग सवाल है। इनकी इधर जो हुआ मैम, ये पूरा का पूरा बहुत पुराना खेल है, आज का नहीं है। अच्छा शेख हसीना कहां आई, किसके घर गई, क्या हुआ उनकी भतीजी का, लंदन वाला एंगल क्या है यहां पर मैम, हनी ट्रैप की एक छोटी चीज निकाल दी गई, एक पूरा वर्जन वो भी आया कि हनी ट्रैप, हनी पॉट की बात करिए, हनी पॉट की कोई बात ही नहीं करता कभी इंटरनेट पे, हनी ट्रैप सबको पता है, हनी पॉट क्या होता है आप बताइए। हनी पॉट मैम वो पॉट होता है जिसमें ये पूरे हनी ट्रैप्स की इंफॉर्मेशन जाती है। एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति पर हनी ट्रैप लगा, लगाने वाले कौन होते हैं, साइबर और डिजिटल वाले लोग। हनी ट्रैप लगेगा कैसे, हनी ट्रैप ऐसा थोड़ी होता है कि लिपस्टिक से लगा दिया, हनी ट्रैप लगेगा उसके लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी। एग्जाम्पल देता हूं, रात में लाइट बंद होने के बाद बग करने के लिए टॉप मोस्ट होटल्स के स्वीट रूम का एक्सेस किसके पास होगा? आपको लगता है एक लड़की जिसको, मान लीजिए एक प्रोस्टिट्यूट है जिसके थ्रू आपने हनी ट्रैप लगाया, एक असेट है आपकी पुरानी जिसके थ्रू आपने हनी ट्रैप लगाया, उसके पास इतना बजट होगा तो ये क्यों होती बच्ची यहां पर? फिर इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशंस होती है। डेटा मैम, मैं हमेशा कहता हूं बेटा मत बचाओ, बेटा तो जो बनना था वो तुम्हारे संस्कार से बन जाएगा, बेटा डेटा बचाओ, डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हनी ट्रैप्स का ये तो मैम आज का थोड़ी है, जियाउल मतलब ये जियाउल हक के टाइम का है, ये मैम पूरा 79 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो 94 तक आया, सिंपल सा है, हनी पॉट्स तैयार किए जाते हैं पूरी दुनिया में। हनी पॉट्स ऐसे जैसे यूएस ने अपना एक हनी पॉट रख दिया, अब आईएसआई ने एक रख दिया, आईएसआई का हनी पॉट होता है, यूएस का आपका, वो हनी पॉट्स होंगे टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशंस की जो कंट्रोल करना चाहते हैं गवर्नमेंट्स को। कैसे, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कुछ पावरफुल लोगों की एक समिति है, सरकार है क्या, टॉप 10 लोग होंगे, इन 10 लोगों की आंखें होंगी कम, कान होंगे ज्यादा, कान होते हैं, पावरफुल आदमी की आंखें नहीं होती है। तो आप हैं पावरफुल, मतलब आपके पास एक सोशल मीडिया का पावर आ गया, आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप हैं आज की रेट में आंख हैं, लेकिन आपके कान होंगे हम जो बताएंगे आपको। सेम होता है एक बड़ा मंत्री किसी की नहीं सुनने वाला, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके राज, सबसे बड़ा राज पूरी दुनिया में, जैसे उदाहरण के तौर पर हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के समय का आपको बताऊंगा, सबसे बड़ा स्कैंडल था उनकी असिस्टेंट के साथ, ये सब मैम यूएस में फर्क नहीं पड़ता किसी का हनी ट्रैप निकल गया तो, उनके लिए कॉमन चीज है। यूके में फर्क नहीं पड़ता, बोले उनके एम्बेसडर के साथ बोले निकल गया, भारत में फर्क पड़ता है, बांग्लादेश में, नेपाल में, इन छोटी मतलब जो जहां पर आज भी एक पूरे का पूरा तबका है जो इसको गलत मानता है, और है भी गलत भी है संविधान कानून के हिसाब से क्या, उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन एथिकली मोरली बात की जाती है। मैम एक बात बताइए, अब ये पॉट्स तैयार कर दिए, जैसे आईएसआई ने अपना पॉट तैयार किया, ये 89 से लेकर 97 तक पूरी की पूरी, आपको एक एग्जांपल देता हूं, यूके क्यों हजारों लाखों की संख्या में क्यों वीजा इशू कर रहा था नई 16 साल से लेकर 22 साल की लड़कियों को, रिसर्च आप करवा लीजिए किसी से, मैं तो बगैर रिसर्च की बात नहीं करता हूं, डॉक्यूमेंट पर बात करता हूं। सबसे ज्यादा यूके में जो वीजा, जितने भी वीजा थे वो स्टूडेंट वीजा, एक बार बताइए जो 15 साल की बच्ची है इसको किस कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे थे आप?
अब बात आती है वही वाली, जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, और वहां से MI4, MI3, MI6 की एक असेट डालना, चर्चिल का वहां पर अपनी खबरियों को और अपनी असेट्स को डालना, उनकी गर्लफ्रेंड बनाना, फिर उसके बाद जो कहा जा, कहा नहीं जाता, पेपर पे है, मैं कहने वाली बात ही नहीं करूं, किसने क्या कहा मुझे कोई लेना देना, पेपर पर क्या है, डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड की बात कर रहे। तो जब ये लड़कियां गईं, अब वो लड़कियां जो 1979 से मान के चलिए, आप मान के चलिए 84 से मानते हैं, 84 से 94 10 साल तक जो बच्चियां गईं, आज उनकी उम्र क्या होगी जो उस समय 16 साल की थी, उस समय जो 16 जी, क्योंकि अब उनको, हाँ आप लंदन का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। अच्छा कैसे हो गया एकदम से, क्यों मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं लोग कि वो पाकिस्तान क्यों बन गया, मैम ये सब इसी को कहते जी, और हक ने 3-4 स्ट्रेटजी तय की थी, उसको लोग नॉर्मल लेते थे, बहुत कमीना आदमी था वो, बहुत कमीना जी, और वह कमीना वर्ड राइट है उसके लिए। अच्छा आपके पास कोई बेहतर शब्द हो इसके लिए तो बताइए, कमीने का पर्यायवाची बता दीजिए, मेरे को तो नहीं मिलता। हिंदी भाषा कमाल की है मैम, जो है सो है, इंग्लिश में आई बैग योर पार्डन एंड यू नो आई वांटेड टू एक्सप्लेन, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट, हिंदी में ए, हिंदी इतनी पावरफुल है, ए में भी आप वही जवाब दोगे जो आप इतने आई बैग योर पार्डन में दे रहे थे, ठीक है। सो हिंदी सीधी सी है, साफ, ये मुझे समझ में आता है। तो ये जो हनी पॉट्स बनाए, अब इन हनी पॉट्स में नई लड़कियां लाकर, या सिर्फ लड़कियां नहीं मैम, अब तो लड़के भी पॉट का हिस्सा है, जो पहले सिर्फ लड़कियां चलती थी, अब तो लड़के भी, लड़के भी, अलग अलग शौक, अलग अलग मर्द, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग, तो अब वो जिगलो गैंग अलग है, प्रोस्टिट्यूट गैंग अलग है, बहुत सारी चीजें, अब उन सबको मिला के मैम उस पॉट में आ गई इंफॉर्मेशन, हनी ट्रैप की इंफॉर्मेशन जाएगी कहां, वो नशेड़ी लड़की, वो नशेड़ी लड़का, उसको तो खुद ही आदमी कल किसके साथ था, लेकिन जो वो वीडियो बना वो मैम सेव किया जाएगा 15 साल पहले, जब कोई आदमी पावर में बैठेगा, और इसको लीड करती है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फोरम्स, एंड आई एम नॉट सेइंग एल्यूमिनाटी, बहुत छोटा हिस्सा है एल्यूमिनाटी, एक आपको पता चलिए ऐसे बहुत सारे होंगे, जो 13 डेविल फैमिलीज में से 7 अलग हैं, 4 अलग हैं, कौन ज्यूज़ है, कौन अरब है, वो अलग गेम है मैम, उसके लिए पॉडकास्ट नहीं लगेगा, उसके लिए पूरे बहुत मतलब 20-25 घंटे का सिर्फ स्टडी करने के बाद 200 सेंटेंस बोल पाऊंगा मैं, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो बांग्लादेश में जो यहाँ के पहले के पॉट्स की इंफॉर्मेशन डली हुई थी, एक बार बताइए यूके कैसे इन्वॉल्व है इस पर, कोई बात ही नहीं कर रहा, लंदन का इसमें क्या रोल है, MI6 ने क्या किया है, MI3 यूनिट 5 यूनिट 79th बटालियन, उनकी SAS ब्रिटिश SAS स्पेशल एक्शन सर्विसेज, जो पुरानी दुनिया की पुरानी SAS, सबसे पुरानी मानी जाती है SAS, SAS के 2 रिटायर्ड डायरेक्टर्स क्या कर रहे थे 27 दिन पहले ढाका में, बहुत सारी मैम इन्फॉर्मेशन। तो क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूं, जितने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या जितने लोग बात करते हैं, मुझे हंसी इस बात की आती है, ये मात्र 2.9% इंटरनेट है इनके पास, जो कि नॉर्मल है, डार्क वेब तो इनको पता ही नहीं कि जो चीजें चलती है वो डार्क वेब पे पहले आती है ना, तो डार्क वेब पे जो हलचल होती है, अगर जो उसको ट्रैक कर रहे होते हैं वही बड़ी एजेंसीज हैं, उसके हिसाब से ये किया गया। हाँ ये टेस्ट होता है, बताते हैं, बाजू वाले को थप्पड़ मारा, आप बैठे रहे तो उसको ये पता चलता है कि वो बाजू वाले तक तो आ गया है, अब आप तक कौन आएगा, आपको क्या लग रहा है ये जो दंगे हो रहे हैं भारत में पिछले 8 से 10 साल में, बड़े बड़े जो दंगे हुए हैं, उन दंगों के पीछे की कहानी क्या है। एक सुपरिटेंडेंट पुलिस को गोली मार देता है गुंडा के भीड़ में मध्य प्रदेश के अंदर जी। वो SPI सिद्धार्थ चौधरी को गोली मार दी जाती है, उसको पैर में लग जाती है गोली, IPS अधिकारी को मैम ये ट्रायल किया जाता है कि अगर एक अधिकारी पे गोली चली IPS पे तो कितना बुरा कर लेगी सरकार, क्या होगा, अब आप सोचिए। उसके बाद दंगे हो जाते हैं, और दंगों के बाद अभी मैंने सुना एक न्यूज आ रही थी सदन, कर्नाटक की शायद बात है, कर्नाटक की ही शायद, क्या कर्नाटक की ही बात है, मुझे एक्यूरेट होना पड़ेगा, कि दंगे होते हैं और सरकार ये निर्धारित करती है कि नहीं जो दंगे में जितने थे इनसे केस वापस ले लिया जाता है, मासूम, अरे वीडियो टेस्टिमोनी है, थाने जलाए गए हैं, सेम चीज ऐसी होती, सिंपल गेम है मैम। आप यदि आज ये सोचेंगे कि हमारी सरकार को क्या फायदा है या नुकसान है, तो मैम पक्ष और विपक्ष आज का थोड़ी है, वो तो हमेशा से चलते आया है, प्रभु श्री राम के समय से चला रहा है, लेकिन बात यह है बाजू वाले के घर में अगर कुछ हुआ है सतर्क हो जाइए, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर अभी जब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं जी, 1 करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या जो जिनको जो इंडिया में आ गए किसी ना किसी तरीके से, उनको जगह मिल गई इंडिया में रहने की, अब बात यह है कि ये रह तो रहे हैं और इन्हें गवर्नमेंट से भी यू नो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो रहा है, बट यही लोग जब हम देखते हैं कुछ एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, जैसे पत्थरबाजी कह लो या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, इसके लिए क्या सोल्यूशन है सर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सिंपल सा है ना, पहली बात तो ये बताइए, आपने कहा 1 करोड़ से ज्यादा, ये डेटा आपको किसने दिया? मुझे तो रिसर्च टीम से मिला।
रिसर्च टीम ने बताया 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब आपके पास एक ऐसी रिसर्च टीम है जो सरकार के पास नहीं है। बताइए क्या सरकार के पास ऐसी टीम होगी आपके हिसाब से? होगी, मतलब सरकार को इसकी जानकारी है। तो जब सरकार को इसकी जानकारी है, जिसको चुनके आपने हमने भेजा हुआ है, चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट जो होगी वो राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंट्री इज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वीजा अगर होता तो वो राष्ट्रीय, बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल्स हैं। दूसरी बात ये बताइए कि जो लोग ये आए हैं क्या इनको आधिकारिक रूप से लाया गया है, मतलब क्या इनको परमिशन है आने की? आने की परमिशन है, मैम रहने की परमिशन नहीं है। तो अगर रहने की परमिशन नहीं है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक आदमी चालान लेके आया कि मैडम हम आपके घर में डिलीवरी देने आए हैं, आप क्या उसको घर में बिठा लोगे? डिलीवरी दे दी भाई, ज्यादा ज्यादा चाय पानी पूछोगे, उसके बाद दामाद क्यों बनाया हुआ है? इनको कहेगा तुमने दामाद बना के बिठा ला। अब अगर वो आधिकारिक है तो भाई ये तो सरकार का निर्णय है, आधिकारिक नहीं है तो सरकार क्यों नहीं भगा रही, बड़ी बात यह है। तो उसमें तो काउंटर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं रादर देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने क्या बोला, जिसको पैसा मिलता है सॉल्यूशन लेने का, जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पे उनकी जिम्मेदारी, लेकिन जहां से एंटर हुए उस समय उस जगह पे कौन सी लोग उसके इंचार्ज थे, क्या दस्तावेज उनके चेक किए गए। दूसरी चीज, अब इसमें बहुत सारे फेलियर है। एक आदमी ने आपको आपका आधार कार्ड दिखा दिया, वो आधार कार्ड सही है कि गलत है ये कौन बताएगा? स्टेशनों के पास फर्जी बनते हैं, 500-500 रुपए में 500 बॉर्डर जहां पे मिलते हैं, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? आप घर में एक नौकरी में किसी को रख लिया आपने, यहाँ पे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा ये है कि क्या वो बांग्लादेश से आया या कहीं से आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते भारत में, लेकिन इसका चेकिंग कौन करेगा? अब हम क्या सरकार को सलाह दे? एक आपने पूछा कि हम इसका सॉल्यूशन क्या है, सरकार का काम है ना मैम, हमने तो चुनने का काम हमारा था सबसे पहले। दूसरी बात, हमारे हाथ में होगा तो हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। रही बात, अब आपने कहा कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्या ये सिर्फ बांग्लादेश वाले हैं कि अपने देश के खुद के अंदर है? क्या आप बात कर रहे हो मैम, हमको किसी दोष किसी दूसरे देश से भारत को जरूरत है मक्कारों को बुलाने की? हिंदुस्तान में इतने बैठे हुए, इकट्ठा कर दो इनको तो पूरा का पूरा एक दोगलेस्तान बन जाए, इतने दोगले भारत में, तो सिर्फ क्या उनको ब्लेम देना चाहिए? अरे जिनने अपने घर में पाल रखा, वाह वाह वाह, मतलब सपेरे को दोष मत दो, सांप के पीछे पड़े हो। सपेरे कौन है जो इनको यहां पनाह दे रहे हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। सरकार को अगर करने वाली बात है, जब तक आपकी स्क्रूटनी डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे नहीं होगी, जब तक हम पूरी चीज डिजिटल करने से कुछ नहीं होगा, डिजिटल के बाद आप किसको अकाउंटेबल बनाएंगे? जो लोग घुसकर आए थे क्या वो जिम्मेदार है, या जिनने उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए वो जिम्मेदार है? अब यहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके मैम ना नगर के पार्षद से लेके प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, ये तो सवाल सब पे उठ जाएगा। फिर देखिए जिम्मेदार कौन है? हम जब तक अकाउंटेबिलिटी डिसाइड, आप एक काम करिए कमेटी बना दीजिए, हर चीज में कमेटी बनती है भारत में, एक कमेटी बनाइए और सीधे लिख दीजिए अगर कमेटी ने इसका निर्णय नहीं किया तो जो बगैर डॉक्यूमेंट के पाले जाएंगे तुम्हारे घर में पालेंगे, सब कमेटी काम करने लगेगी। डर नहीं है मैम, भाई के भाई बिन हो तो न प्रीत हो न प्रीत, भाई दिखाइए भाई इस बात का, तुम अगर गलत पाए गए भारत में तो बेटा तुमको सबसे पहली चीज है जो भारत का दोस्त है, मतलब जो कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर रहा, प्रेम से उठाइए उसको, उसके देश में छोड़वा दीजिए। नहीं है तो उसको, अगर उसने गलत किया है तो उसके देश छोड़वाने के बीच में पानी में छोड़वा दीजिए, पत्थर पैर में बांध के। अब लोग बोलेंगे वायलेंस, हाँ भैया हमको यही आता है, और सॉल्यूशन दुनिया में वायलेंस करते हैं ना, अच्छा ये पत्थर मार रहे हैं हमारे लोगों को, मार रहे हैं और आप इनके साथ बनी, अरे अरे अतिथि देवो भवा, काय का भाई, किस टाइप का अतिथि? अतिथि है ना, बगैर बुलाए जो आएगा उसको अतिथि नहीं बोलते, वो भगोड़ा है अपनी नजर से, तो अतिथि और भगोड़ों के बीच में फर्क कीजिए। तीसरी बात, इसमें एक कंसर्न आता है, आपने कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए। मैम सरकार हमको पद दे, पद हमें भगवती की कृपा से, कोई पद की आवश्यकता नहीं, हमको लेटर दे दे बगैर पैसे के, हमको पैसा नहीं चाहिए, आप हमें लेटर दे दो कि इस चीज का सोल्यूशन आप दीजिए। मैम मेरे पास है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, डिप्लोमेटिक बोलेंगे तो डिप्लोमेट्सी होती है डिप्लोमेट्स के लेवल पे, मैं तो डिप्लोमेट हूं, मरून कलर का पासपोर्ट मिला है। मैम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है ना, जिनको मिली है मैम वो कर रहे हैं काम, लेकिन क्या वो इनफ है? मैम काम हो रहा है ऐसा नहीं है। इसको अगर आप कह रहे हो कि आइडेंटिफाई हुए, ये 1 करोड़ लोग का आइडेंटिफिकेशन किसने किया, इसका मतलब ये सरकार ने किया है, बट आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करेंगे? हमारी प्रॉब्लम ये नहीं डेटा इकट्ठा करना, अब डेटा का उपयोग कैसे करते हो, दैट्स इट। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ अगर आप प्रॉब्लम पे बात करें तो तुमसे बड़ी कोई सत्यानाशी प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन बता, हम सोल्यूशन पे काम करते हैं। सोल्यूशन सीधी सी बात है, या तो हम तो पैसा भी नहीं मांग रहे, हमें बुलाइए सम्मान के साथ, गुरु है छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं स्वाभिमानी, सम्मान के साथ बुलाइए सॉल्यूशन मिलेगा। ज्ञानी बहुत है दुनिया में मैम, लेकिन उस ज्ञान का आपने मान लीजिए ज्ञान, मैं बताता हूं आपको, किसी ने मंत्र सिखा दिया, मंत्र का उपयोग क्या करेंगे? किसी ने आपको हथियार दे दिया, हथियार का उपयोग क्या करेंगे अगर चलाना नहीं आता है? पावर की ताकत तभी है जब आप उसका अभ्यास करें और उसका प्रयोग करें।
आपने कोई पद दे दिया किसी व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति अपनी सिर्फ नौकरी बचाएगा कि राष्ट्र के प्रति सोचेगा? दो बड़े सवाल है मेरे। यदि यहां से ये घुसपैठ हुई है तो सबसे पहले उसको टांगो जिसके कारण हुई है, कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होगा। मैं हाँ बगैर आग के धुएं उठने का जमाना गया, उनको उठाओ, कूटो उनको, बताओ तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स किसने अरेंज किए, लोकल लेवल के आदमी को उठाओ, मैम सीधा उसको उठाओ जिसने इसके इनके गलत आधार कार्ड बनाए, कैसे रुके हुए हैं? अगर ये कहीं काम कर रहे हैं मैम, 90% लोग आधार कार्ड मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जिसने नकली बनाया, पहले तो फर्जी दस्तावेज वाला पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मैम एक माफिया है, आप उसको नहीं पकड़ोगे तो मैम क्या बात कर रहे हो आप? एक बार बताइए, 95% लोग वापस चले गए होंगे, मैं कहता हूं चलिए 5% अगर कचरा आ गया, 5% समझते हैं भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से, दूसरा यही इलेक्शन को भी इंपैक्ट करते हैं, ये कोई बात नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी के पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो वो इलेक्शन को भी कंट्रोल करेगा। इसीलिए बॉर्डरिंग स्टेट्स की जिम्मेदारी होती है मैम, और सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसकी इंटेलिजेंस यूनिट्स भी होती है। हम ये कह रहे हैं कि ताकत है हमारे पास, एक्सेस करने दीजिए ना साहब। आप पुलिस को छूट तो देके देखिए, लेकिन एब्सोल्यूट छूट नहीं, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। एक महीने का टाइम दीजिए, टाइम लिमिट मैम बहुत जरूरी है, टाइम लिमिट, बेटा तुमको इतनी देर में खाना खाना है। हम अपनी औलाद को टाइम लिमिट देते हैं है? माँ बाप को हर चीज में टाइम लिमिट है, स्कूल टाइम इतने बजे आपको आना ही है, मतलब एक छोटे से छोटी चीज में आपके इधर मेड आएगी काम करने आएगी तो मैं इतना ही काम करेगी, मला इतनी करायचा है, मला जायचा है, काय त्यांचे पण टाइमचे प्रॉब्लेम आहे, काय नंतर दुसरे काम भरून जायचं आहे, सिंपल आहे ना। सबका मैम एक टाइम लिमिट होती है। मैं कहता हूं जो सबसे बड़े पावरफुल लोग हैं उनका टाइम लिमिट डिसाइड क्यों नहीं होता है? इसमें कोर्ट को ऑर्डर क्यों स्लो मोटो ले सकते हैं? क्यों हुआ कलकत्ता वाले सुप्रीम कोर्ट का, मैं आदर करता हूं इसमें, सुप्रीम कोर्ट स्लो मोटो ले रहा है, हाई कोर्ट स्लो मोटो ले लेता है। सिंपल सी बात है कि हम इस केस को सुनना चाहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। मैम जब राष्ट्र की सुरक्षा ही नहीं रहेगी, राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय सुरक्षा। तो मेरा सिंपल सा, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाइए। जब तक राष्ट्रीय क्या क्या डिबेट हो रहे हैं, पूरे चैनल्स पे आप देखते हो डिबेट, इस पे डिबेट क्यों नहीं होता? हाँ मैं हमेशा कहता हूं, देखो गौर से आपस में तनाव है क्या, लगता है चुनाव है क्या। तो ये सिर्फ चुनाव के समय होता है हर स्टेट के, बट मैं चाहता हूं मैम कि राष्ट्र दो बात की बात है ना मैम, आपको यदि पद मिला है और भारत का हर व्यक्ति जो पद पर बैठा, मैम मैं तो हूं नहीं, आप तो है नहीं, लेकिन मैम अगर जो पद आपको मिला है ना, बड़ा सम्मान का है मैम, बस उस पद का आप उपयोग कर लीजिए मैम। दुरुपयोग की तो बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ उपयोग मैम। मैम एक मैं 72 घंटे में देश सुधर सकता है, बस ये है कि जिसके पास पावर है दे हैव टू यूज इट। और सीधी सी बात मैम, लोग कहते हैं ना पागलपन जरूरी है, बगैर पागलपन के कोई बदलाव नहीं आता। मैम एक दिन में सबको बाहर किया जा सकता है, एक दिन की छोड़िए एक घंटे में, डेटा इकट्ठा करो, डेटा पर प्रोसेसिंग करो, प्रोसेसिंग में जो क्लीन आया उसको रख लो, जो प्रोसेस में क्लीन नहीं आया आप क्या करते हो मैम? आप झाड़ू करते हो रोज देश में, हम देश में झाड़ू लगा रहे हैं, यहां पर घर में लगाते हैं, करेक्ट? देश में क्यों नहीं लगाते? हम पोछा लगाते हैं रोज घर में, 10 दिन नहीं लगाओ तो गंदा हो जाएगा। ये इनको क्यों, नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है तुम गंदगी इधर पे हो रही है, जिम्मेदार कौन है इसका? जो नेता इसका जिम्मेदार है, सीधे करो ना। अरे बात बात में इस्तीफा मांगा, अबे इस्तीफा मत मांगो, उसको जिम्मेदार ठहराओ, काम करवाओ, इस्तीफा दे दो। अरे पागल लोग, क्यों देगा कोई इस्तीफा? आज तक दिया है किसी ने? अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा, उनके अलावा किसी ने नहीं दिया जी। सीधी सी बात है, घर का ध्यान है सबको, अपनी गाड़ी बिल्कुल साफ चाहिए, आपको घर में झाड़ू पोछा लगवाने का, रोज नहीं लगाएगी। एक बार बताओ, जिस मेड को आप 2,000-5,000 रुपए देते हो उसकी जान खा लेते हो अगर घर में थोड़ा सा कचरा छूट जाए? अरे जिसको आपने लाखों करोड़ों का बजट दिया है, अब मैं बात कर रहा हूं एमएलए से शुरू होता है, मैं बात करता हूं नगर सेवक से शुरू होता है, पार्षद से शुरू होता है, आपके वार्ड के इंचार्ज से शुरू होता है, नहीं आप उनसे सवाल नहीं पूछोगे, आप हमसे आके इंटरनेट पर सवाल पूछोगे, आपके पॉडकास्ट के नीचे लिखेंगे आके, अरे मैडम तुमने क्या बदलाव कर लिया? बेवकूफ उससे पूछना जिसको चुना है जी। अब यहां बात आएगी पार्टियों की, अरे सब बीजेपी कांग्रेस जो पावर में रहेगा उसको प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। अब जिस राज्य में कांग्रेस है तो कांग्रेस देगी, जिसमें बीजेपी बीजेपी देगी, जो पार्षद है वो किस पार्टी का हो सकता है? वो एक छोटी सी पार्टी का हो सकता है, वो निर्दलीय हो, मगर इंडिपेंडेंट को भी तो जवाब देना पड़ेगा। वार्ड तुम आए थे ना हाथ जोड़ के वोट दे देना, 5 साल कहां है तू, घूरो उसको, घर होगा उसके कहीं पर जाओ, नहीं उधर धरना नहीं देंगे। लेकिन धरने की याद कब आएगी? जब आपके घर में कुछ हो चुका होगा। मैम कमाल की बात है, यही तो पूरा पंगा है मेरा कि हम रोहिंग्याओं की चर्चा, मैं बोल रहा हूं सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन के जिम्मेदार कौन? सरकार। कौन सी सरकार? सरकार सरकार के द्वारा चुने गए अधिकारी, अधिकारियों के द्वारा चुने गए खबरी, सीधी सी बात है मैम। हर जगह तो करप्शन है मैम, करप्शन आज से है क्या?
पहले से नहीं नहीं कमाल की बात है, मैं सीधे बोलता हूँ, करप्शन अगर लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया तो आप क्या कर लोगे? एक लड़का जब नौकरी ज्वाइन करता है उससे पहले वो एक पुलिस वाले को, वो या नाके पे खड़े हुए या किसी जगह पे, उसको किसी ना किसी के फोन ने छुड़वाया है। एग्जाम्पल देता हूं, एक लड़का पकड़ा गया, हो सकता है वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वहां पर उस पार्टी के दो चार लोगों की चलती है, फोन कर लेगा, लो भाई विधायक जी का लड़का है। वाह, मतलब क्या आपको पता है जो पुलिस वाले ने अपना काम किया उसको रोक के, क्या एमएलए ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या किसी मंत्री के ऑफिस ने जिम्मेदारी ली इसकी कि जिस लड़के को छुड़ाया है क्या वो ड्रग्स लेके जा रहा था, हथियार लेके जा रहा था, अपनी गाड़ी में क्या रखा हुआ था? फोन से छोड़ना पड़ता है मैम, यही तो है मैम जिम्मेदारी, तो हर लेवल पे लेना पड़ेगी ना जी। सर आपने देश की सुरक्षा के बारे में बात की, अभी औरतों की सुरक्षा के बारे में अगर बात करें जी, तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं जी, क्या सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है? आप तो इतनी सारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। सो आपके दो प्रश्न है इसमें कि क्या सरकार को जिम्मेदार ठहराना, नहीं। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट लोगों को कहेगा कि आप सरकार, हाँ मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोई भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना, दो चीज है। एक, हाँ महिलाओं की सुरक्षा, सिर्फ महिलाओं की नहीं, लड़कों की अच्छी शिक्षा जो जरूरी है, महिलाओं के विरोध में जो अपराध हो रहे हैं वो पुरुष कर रहे हैं, तो पुरुषों की मानसिक ट्रेनिंग और संस्कार की ट्रेनिंग, ये भी सरकार का जिम्मेदारी है। एजुकेशन सिस्टम में इसको वैल्यूज में लाना, क्या हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार की जिम्मेदारियां रहेंगी, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, यस उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी? आपका सवाल नहीं, सिर्फ सवाल सरकार की नहीं, बताता हूं। एक माँ या बाप अपनी बेटी को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पापा की परी बना के ले जाते हैं, तो पापा की परी सिर्फ बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाली सुरक्षा। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, कित्तूर चन्नम्मा, जिस दिन आप उस बच्ची को वो अभिमान देंगे कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में वो एक योद्धा बन के गई है, तो उसको वहां से स्वाभिमान आएगा। आपने बाबा जूजू बना के रखा है बच्चों को, अरे मेरे बाबा, अरे मेरी बेबी, अरे तुम्हारे बाबा बेबी को रैपटे पड़ेंगे बड़े होके, पता नहीं है तुम्हें, जब तक तुम्हारे प्रोटेक्शन में अलग है, बड़े बड़े बाबा बेबी ना जूते खाते हैं, ये सच बात है। मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों जूते खाते बताता हूं। जूते खाते का मतलब यह है कि किसी ने नीचे गिराया तो वो मारेगा ही आपको, सम्मान देने के लिए कोई किसी को पटकता नहीं है जी। और मैम हम अगर बात करते हैं सुरक्षा की, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में हम राष्ट्र की बात करते हैं, वो तो माँ है ना मेरी, तो महिला की हम बात करते हैं, माँ है हमारी, जहां महिला की सुरक्षा मैं क्यों करता हूं, मैम मेरा दायित्व है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51 अल्फा भारत का, जिसकी कोई बात नहीं करता इस देश में। मेरा एक दोस्त है कर्नल अमित कुमार, उसने भी बड़ी बात की इसकी कि आर्टिकल 51A जो है वो क्या है मैम, आर्टिकल 51 अल्फा ये कहता है कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है राष्ट्र के प्रति, मेरी जिम्मेदारी है मैम कि राष्ट्र के पद चिन्हों का, राष्ट्र के चिन्हों का सम्मान हो, हम झंडे का सम्मान करें, हमारा दायित्व है मैम। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स क्या मिले, हमारे अधिकार क्या है। अच्छा सिर्फ अधिकार की बात करो, दायित्व कहां है फिर? मतलब आपको, मतलब सीधी सी बात है, खाना बना के औरत दे दे तू कुछ मत कर लेना घर में, नहीं सब्जी भी वही लाए, धोई भी वही, काम भी वही करे, क्यों? क्योंकि औरत से अधिक उसकी जिम्मेदारी, ऐसा कुछ नहीं कहीं नहीं लिखा है। पहले मैम सीधी सी बात है, अगर योद्धा लड़ने जाती थी, अच्छा बावर्ची पुरुष होते हैं बहुत सारे, तो उस हिसाब से तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, वही कहा ना करप्शन है, अच्छा महिलाओं की सुरक्षा का इशू है, तूने क्या किया? लोग आके कुछ भी कमेंट करेंगे, आपको भी बोलेंगे, हमको भी बोलेंगे, मैम सीधी सी बात है, उनमें दम सिर्फ उतनी है कमेंट करने की, उनकी औकात नहीं कुछ करने की, खुद पिटे हुए हैं, खुद ने जिंदगी में कुछ अपना फर्ज से, मैं उनके लिए बड़ा बुरा फील करता हूं जो आपको या हमें किसी को भी कमेंट लिखते हैं, तुम कुछ करो ना। अच्छा मेरे को कमेंट लिखी, अब हो गया तेरा, चल तूने मेरे को 10 गाली लिख दी, आपको 10 गाली, आगे बता क्या करा, देश के लिए क्या किया? बड़ा सवाल ये है, देश तुम्हारे लिए क्या करेगा, बस ये देखते रहो। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा, मैंने बोला, आपने कहा सेल्फ डिफेंस, मैं सेल्फ डिफेंस सिखाते ही नहीं मैम, ये नेगेटिव वर्ड है, मैं डिफेंस नहीं सिखाता, मैं प्रहार, इसीलिए मेरा क्या है मिशन प्रहार, मारो, इंतजार मत करो, मारो फाड़ दो बीच में से, बलात्कार से बेहतर है डाल दो उसको, काट दो अगर दो गवाह होंगे, सीधी सी बात है। आज एक बात है कलकत्ता में जो बेटी के साथ हुआ, या मैम देश के अलग अलग कोनों में जो निर्भया के साथ हुआ था, अगर उसने फाड़ दिया होता ना मैम, अगर उसको सिर्फ इतना सिखा दिया होता कि नुकीली चीज है गाड़ दे आग के अंदर, मैम वो बेहतर था। क्यों? क्योंकि सजा होगी, जेल होगी, वो बात की बात है, खुद कानून में 98 से लेकर 104 तक आईपीसी थी, अब बदल गई है नया संहिता में, अलग जो हो गई है। मैम अगर एक बच्ची, मैं तो बोलता हूं मार डाल, बाकी लीगल हमारी जो मदद लगेगी, हमारे पास एक टीम है, हम जो कर पाएंगे। मैम यहां सिंपल सी बात है, हमें सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। मैंने सॉल्यूशन किया 1999, कोई होश था किसी को महिला सुरक्षा का? 1999
मैम वहां से लेके आज तक काम करते आए, ये तो आपको 5 साल पुराना पता चला होगा, हमारा 10 साल पुराना जो इंटरनेट पे डाला है उस कब से कर रहे हैं। कारण है ना मैम, हम एहसान नहीं कर रहे, अपना दायित्व निभा रहे हैं राष्ट्र के प्रति। मैं अगर इसको माँ कहता हूं तो मेरा यह दायित्व है कि मैं इस माँ को और माँ के अंदर जो समस्याएं हैं, यहां पर जो बेटियों की सुरक्षा है, मैं खुद करूंगा। मेरी सीधी सी बात, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूं। क्यों? मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूं और यही मैं मिशन प्रारंभ में सिखाता हूं बच्चियों को। एक नियम, किसी पर भरोसा मत करो, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी बेटियों को सिखाइए, आप अपनी बेटियों को हर जगह ले जाते हैं, कम से कम उसको एक चीज सिखाइए जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाए। और यहां पर मेरा मतलब किसी भी मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, कराटे, ताइक्वांडो, शाओलिन कुंग फू, इससे नहीं है। कुछ ऐसा सिखाइए जो काम आए, रेसलिंग, पहलवानी काम आती है, एथलीट अगर आप अपनी बच्ची को बनाओगे काम आएगा। मैम सीधी सी बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी बड़ी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करके आप बचाव करिए और एब्सेंस ऑफ बॉडी वहां से निकलिए, वहीं लड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल पार्ट्स आते हैं। बट ये है, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं सरकार, अच्छा एक सरकार को दोष दोगे, अच्छा कल सरकार बदल गई, मान लीजिए आपने किसी सरकार को 10 साल दोष दिया, फिर वो बदल गई, फिर अब अगली सरकार को दोष दो, बेहतर है काम भी करते रहो, सरकार को जिम्मेदारी समझाओ और अपना भी काम करिए राष्ट्र के प्रति। सिर्फ सरकार के भरोसे मत बैठिए। अगर बेटी आपकी है, सरकार से पूछ के पैदा की थी? नहीं, वो बच्ची ने जन्म आपके भरोसे लिया है, सरकार के भरोसे नहीं। सरकार उसके लिए मैटर करेगी जब वो वोट देने जाएगी, उसके पहले तो सुरक्षित रखो, रखना आपको है, तो इसलिए जिम्मेदारी लेना पड़ेगी माँ बाप को भी। जी सर, हम आंदोलन की बात कर रहे हैं और जब आप आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, इसके लिए आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आई मीन कौन सही कौन गलत यहाँ? क्या सभी जो आंदोलन पे बैठते हैं वो सही है या वो गलत है? यहाँ पर पर्टिकुलरली जाते हैं जो आपने कहा, आपने इसमें कहा कि ये राजनीतिक है, जो आपका सवाल का एक हिस्सा था। दोनों पार्ट को अलग करते हैं, तीन पार्ट अलग करते हैं। पहला, सही या गलत चुनने के लिए कोर्ट्स खुले हुए हैं, आप और मैं निर्धारित नहीं करेंगे। हम एक विचारधारा रख सकते हैं कि सही या गलत है, वो विचार है, आप ट्विटर पे लिख दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे लिख दीजिए, आप सोशल मीडिया पे लिख लीजिए। क्या मेरे पास ये क्षमता है निर्णय लेने की? उसके लिए कोर्ट्स खुले हैं। मैंने कहा जो लोग पीसफुल मार्च करते हैं वो तो संवैधानिक अधिकार है ना। अब वो हरियाणा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब की बात करें, आपने कहा राजनीति की बात की, तो राजनीति का मतलब ही है कोई अपना फायदा देखे को, कोई नुकसान, सबको अपनी सरकारें चलाना है। लेकिन अगर सरकार ने बिल वापस लिए तो लोगों ने कहा कि सरकार ने क्योंकि बिल वापस ले लिए तो आप जो है वो वहां पर समर्थन मिलेगा, तो पंजाब हार गए। और जहां कहा कि हरियाणा वाले सबसे ज्यादा विरोध करेंगे तो हरियाणा, तो ये कैसे मानेंगे? इसलिए ना पर्सपेक्टिव अलग अलग तरीके से होता है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार के प्रवक्ता लें, उनके जो स्पोक्स पर्सन है जो अपनी लालच में बैठे हैं कि उनको कल टिकट मिलेगी, मिलती भी है, जो भी है, जैसा भी उनका काम कर रहे हैं। हर पार्टी में यही होता ना कि तुम 10 साल सरकार के लिए बात करोगे, फिर तुम प्रवक्ता हो जाओगे, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जाओगे, फिर तुम्हें टिकट मिल जाएगी या 2-4 पद मिल जाएंगे, वो उनका काम है। वो जाने, मैं किसी ना पक्ष की ना विपक्ष का, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपने पक्ष की बात करता हूं, मुझे जितना समझ में आता, मतलब अपना मतलब राष्ट्र का पक्ष। आपने कह दिया कि जितने लोग आंदोलन पर बैठे थे किसान आंदोलन में, एक पूरी की पूरी गैंग खड़ी हो गई जिसने ये कह दिया कि सब आतंकवादी है। शर्म करोगे, जस्सा सिंह अहलूवालिया साहब को पढ़ लेना, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो ना, वो हरियाणा पंजाब है, ये वही हरियाणा है मैम जिसने किसी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। सिकंदर को पटक के मारा है जाटों ने, सिकंदर को पटक के मारा हरियाणा के लोगों ने, तुम पूरा हरियाणा को तुमने बदनाम कर दिया। उसके बाद अरे इस देश के सबसे बड़े मेडल आने वाले, सबसे बड़े 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 योद्धा, आप फौज की बात कर लो, पूरे फौज में जो सबसे बड़ा नंबर आता, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, मेरा भाई है मैम, आप हरियाणा पंजाब को आप कैसे मैम किसी राज्य को आप बुरा बोल देते हो? आपने कह दिया कि पंजाब, अरे आप सरदारों के बारे में बोला बेवकूफा, जस्सा सिंह अहलूवालिया साहब के बाद में सुन लेना, जो हिंदुओं की और जो हमारी जो उस समय की बेटियों को जब उठा के ले जाते थे मुगल, तो 12 बजे रात को हमला करते थे, इसीलिए कहा गया जस्सा सिंह अहलूवालिया साहब के बाद कि बच के रहना, सरदार के 12 ना बच जाए। मैम उसको आपने जोक बना लिया, उसके बाद आप कह रहे कौन है चादर हिंद का नाम किसको मिला? सिखों को मिला। मैम आप बात कर रहे हो जितने आक्रमण पूरे की पूरी जो आक्रांता थे, जो आक्रमण करने आए वो उसी बॉर्डर से आए। मैम सबसे ज्यादा मारा किसने? मैम इन्हीं सिखों ने मारा है। आप ये बात कर रहे हो वर्दी पहन के, आप मैं बोल रहा हूं एक इंडिया गेट करके पोस्ट थी, आप उसके बाद आप ब्रिटेन जब गया तो उसने क्या बोला कि हमें सिखों की रेजिमेंट दे दीजिए, हमें गुरखे दे दीजिए, आप कैसे अपमान कर सकते हो? अरे उन्हीं गांव के उन्हीं किसानों के बच्चे फौज में है, आप क्या मैसेज दे रहे हो? सरकार ने आंदोलन, अच्छा एक बात बताइए, यहां पर सरकार और उनके बीच की बात थी, करेक्ट? इंटरनेट पे हर चीज में कूदना क्यों जरूरी है? आप पूरे सरदारों को अगर आप गलत, मैं बोल रहा हूं मैम दो चीज, दो पक्ष है, जो पीसफुल मार्च कर रहे थे, जो असली किसान है मैं उनके समर्थन में था, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग अगर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, झंडे जला रहे हैं
और जो ये कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो, इनको जिंदा जलाओ, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो। वही पूछ रही थी सर, आप एक पीसफुल ये हो गया प्रोटेस्ट, exactly. एक ये हो गया, फिर आप उसको क्या कहोगे जो खालिस्तानी? नहीं, खालिस्तानियों की ऐसी की तैसी, जो साले ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा जला रहे हैं, जो खालिस्तान का झंडा फहरा है, उनकी ऐसी की तैसी, कानून की सर्वोच्च रूप से फॉर्म में इनको इनको पूरी की पूरी राष्ट्रद्रोह की सजा। नहीं, आप खालिस्तान का झंडा फहरा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे जी। अब बात करूं मैम, कनाडा में, यूएस में, यूके में जब फहरा था, सबसे ज्यादा वहां पर ना हमारे जाट भाई जो है हरियाणा के, वो लड़ने पहुंचा था लठ लेके, ये सड़े बोल गया सर मेरे देश के खिलाफ। दूसरी एक बात है, यहां पर तो पक्ष है ना, पक्ष और विपक्ष वाली बात है, मतलब एक जो समर्थन करते हैं इस विचारधारा में, विचारधारा की लड़ाई है, जो इनका समर्थन करते हैं पीसफुल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात यह आती, तुम खालिस्तान का झंडा फहरा तुम्हारी ऐसी किताबी मेरे को कोई लेना देना, लेकिन तिरंगा जलाओगे साले जिस दिन मेरे हाथ में, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे वही वाली बात है, मुझे एक पत्र दो इनको हैंडल करने का, मैं हैंडल करके देता हूँ 24 घंटे में सबको। मैम उसकी छोड़िए, कच्चे बनियान छूने के पहले हाथ कांपेंगे, तिरंगा जलाओ इनको, जिंदा जलाओ, कानून के तहत एक नया कानून बनाओ जहां जो तिरंगा जलाओ उसको जिंदा जलाओ, मैंने लाख बार कहा है। लेकिन अब लेकिन क्या आप हर सरदार को, हर सिख को, मैम जिसने कौन थे अर्जुन, आप हरि सिंह नलवे वर्गे, मैम उनको कैसे, उनके वंशजों को आप कैसे गलत बोल सकते हो? हर सरदार जो हमारे सिख रेजिमेंट के बंदे, आप सबका अपमान कर रहे हो फिर? नहीं ना, आप हर पगड़ी वाले को मैम गलत नहीं बोल सकते हो जी। और तो ना देखिए, ना हर जगह सब सही है, ना हर जगह सब गलत है। जो पीसफुल है, जो अपनी मांग रख रहा है, वो सरकार को मैम इसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, ऑलमोस्ट हो गई ये चीजें। लेकिन अगर अभी भी विरोध है मैम, मैम रिप्रेजेंटेटिव उनकी आ जाए, सरकार क्या है, बैठ कर ही बात होगी मैम, निदान कभी भी युद्ध से इस प्रकार से नहीं हो सकता है। सो जो लोग ये गलत बोलते हैं हर सरदार को, मैं उनके विरोध कर रहा हूं, इसलिए मैम नहीं करिए, बहुत बड़ा बलिदान है मैम सिखों का, उसके आप अपमान मनी करिए। जो गलत है तो वो तो गलत हर चीज में हो सकते हैं ना मैम, और हरियाणा वालों को भी जो टारगेट करते हैं ना मैम बात बात में, इनको ना हिंदुस्तान में जितना सबसे ज्यादा तिरंगा फहरा रहे हैं ना मैम हरियाणा के बच्चे, बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे बच्चियां पहलवान लोग, हाँ, लेकिन जो गलत है मैम उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे, अरे तुम सरकार के खिलाफ हो, मेरे को क्या लेना देना भाई, सरकार के खिलाफ रहो, बोलो उनके खिलाफ, वीडियो बनाओ, फोटो डालो, हमको क्या करना, तिरंगे के खिलाफ नहीं बेटा, तिरंगे के खिलाफ नहीं, फिर चाहे मेरा खुद की औलाद हो, मेरा खुद का बाप हो, तिरंगे के खिलाफ जाएगा तो सबसे पहले मेरे को फेस करेगा, चाहे वो कोई भी हो, सिंपल है मैम, इसलिए सर एक बात बताइए, जब अभी इजराइल ने हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को मार दिया, तो जो एक टेररिस्ट था, ठीक है, काफी मुस्लिम्स जब हम देखते हैं कि कश्मीर से भी राइट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए, वी हैव सीन दिस, ठीक है, ये लोग लखनऊ में भी हुआ जी, हाँ? ये लोग है तो इंडियंस, लेकिन ये प्रोटेस्ट में उतर आए, और उसी के लिए जो एक टेररिस्ट है, जो कि 26/11 के अटैक के टेररिस्ट जैसा ही है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट को इन लोगों को भी पनिश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उसके दो कारण है। मैं कहता हूं, किसी की घोड़ी किसी का घोड़ा, तू क्यों भागा दौड़ा दौड़ा, ठीक है। इसराइल और ईरान का जो है मैम, वो आज नहीं समझ सकते आप, पहले उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, वो बहुत लंबा, आपके ऑडियंस को खुद को सर्च करना पड़ेगा इनका इश्यू क्या है। मैं ये कहता हूं कि सरकार ने हमारी क्या निर्णय लिए, क्या नहीं लिए, किसको समर्थन किया, हमारी समस्या क्या है, दोनों से आप दुश्मनी नहीं ले सकते। ईरान क्योंकि भाई ऑयल की बात है, यहां पर आप तभी ताकत, आपके पास खुद की टेक्नोलॉजी, आप इसराइल से नहीं ले सकते पंगे क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होती। हम जब तक सेल्फ सफिशियंट नहीं होंगे, मैं क्यों ये वाला पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, ये अलग पर्सपेक्टिव है। रही बात जिनको सजा देना चाहिए, मैं आपको उसको दूसरा जवाब देता हूं। पहला ये है, हमको सेल्फ सफिशियंट होना पड़ेगा तो हम दोनों का विरोध कर सकते हैं, हमारी मजबूरी समझिए, भारत के तौर पर हम ऑयल के लिए हमें उनको देखना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के लिए इनको देखना पड़ेगा। अब दोनों से मित्रता है, लेकिन दो लोग जब लड़े हैं, लेकिन यहां तीसरा एंगल ऑन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। यहां पर जो लोग हमास को समर्थन कर रहे हैं, वो हिजबुल्ला को समर्थन कर रहे हैं। देखिए किसके चीफ के साथ क्या हुआ, वो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है, वो उनका लेना देना ना, मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ता, वो दूसरे अलग देश है, मैं भारत की बात करता हूं। भारत में जो लोग, अब दो चीज है, पीसफुल मार्च कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं है प्रॉब्लम बताता हूं, फिर से वही समझिए, संविधान कहता है पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर 26/11 में कोई आतंकवादी था, जैसे मैं इसके खिलाफ हूं ना, हजार बार बोल चुका हूं, किस बात के खिलाफ हूं, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम अफजल गुरु जिसने मैम संसद पर हमला करवाता है, तुम उसके साथ हो, तो और जो हाफिज सैयद को जब उधर पे उसके लौंडे को ठोका जाता है, तो यहां पर तबाही करते हो, तुम कौन है हाफिज सैयद,
जिसने 26/11 के हमले करवाए, ट्रेन के ब्लास्ट करवाए, हजारों हमारे मासूम मरे, उसके बाद जो हमारे ब्लास्ट में, मुंबई ब्लास्ट में जो शामिल थे, तुम उनके कसीदे पढ़ोगे तो भारी तुमको साले फिर सरकार को ना, फिर सरकार का क्या है ना, सरकार को स्ट्रिंजेंट एक्शन किस में लेना चाहिए, सिंपल है, आइडेंटिफाई करिए मैम, कोई भी ना, कोई भी आंदोलन भले नेता के नहीं होता है, इसको प्रवोक किसने किया, अगर पत्थर चले आगजनी हुई है, मैम सीधी सी बात यह, वोट बैंक के लिए आप ये मत करिए कि अपना ये पराया ना, क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। अगर किसी ने उस प्रोटेस्ट के बीच में भारत के खिलाफ स्लोगन बोले हैं तो क्रिमिनल है, लेकिन अगर उसने अपने कोई भी आदमी, मैं कहता हूं मैम, उदाहरण देता हूं आपको, कोई आदमी कहता है कि मैं इस आदमी का सम्मान करता हूं, भाई वो तेरा व्यक्तिगत मैटर है जी। लेकिन अगर तुम भारत के दुश्मन का सम्मान करते हो तो वो राष्ट्रीय मैटर है, राष्ट्रीय मैटर को रोड पे मत लाओ, तुम्हारा व्यक्तिगत मैटर है, तुम अपने घर की दहलीज पर रखो, आप किसी को भी मान सकते ना, मैं किसी को भी मान, मैं ये रखा हूं, ये शिखा रखा हूं, मैं किसी को, मैं चोटी रखा हूं, शिखा रखा, मेरा सनातन धर्म सनातन ही हूं मैं, लेकिन मैं पहले भारतीय हूं, मैं अपना धर्म सब पे थोपूंगा नहीं मैं, लेकिन अगर क्यों नहीं थोपूंगा, मैं आस्था ना, आस्था आप भी रखें मैं भी रखूं, यहां दो चीजें आती है, एक तुम्हारी आस्था एक व्यक्ति में है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी हो गया जिसको मैं और आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, हाफिज सैयद को पूरी दुनिया ने कहा कि आतंकवादी है, 50 देशों ने उसको बैन किया है, अगर तुम उसके बारे में अगर भारत में अच्छी बात करोगे तो इन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक केस बनता है ना, क्लियर है, तुम भारत की, यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्टेट, अब सिंपल सा है, आईपीसी की 120A 120B राष्ट्रद्रोह की धारा है, अगर जी मैम कुछ नहीं हुआ, यही बात है, इसमें नियत किसकी खराब है, आपको रोड पे दिख रहा है वीडियो टेस्टिमोनी है, लेकिन वीडियो ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, दूसरी बात है, फिर वही समझिए, डिफेंस क्या हो जाता है कोर्ट में जाके, आप ये क्यों नहीं समझते, आपको दिख रहा है मीडिया वाले वीडियो बना रहे हैं, सरकार के पास ये वीडियो जाता है, करेक्ट, ये मानते हैं आप, जहां पर भी प्रोटेस्ट होती, बात यहां पर डिफेंस क्या है कोर्ट में, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा कोर्ट में, जब ये केस जाएगा, मैं बताता हूं 50 केस कैसे उड़ जाते हैं, एक चीज है अभिव्यक्ति की आजादी, अरे भाई आर्टिकल 19 उसमें एक चीज क्लियर है, विद लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस, मैम आप हर चीज नहीं कह सकते हो, आप किसी को मान लीजिए आपको पता है क्राइम है, लेकिन हमारे इधर कानून इतना तगड़ा नहीं है उस चीज का, कैसे आपने देश के खिलाफ कुछ बोल दिया, बोले अभिव्यक्ति की आजादी, अरे किस टाइप की अभिव्यक्ति की आजादी है, आप राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हो, मैम कई चीजों में ना मैं बहुत क्लियर हूं, मैं बोलता हूं एक महिला सुरक्षा में, बाकी का नहीं पता मुझे, महिला सुरक्षा में बिल्कुल के बिल्कुल मैम ना, जब तक आप काट पीट नहीं बचाओगे कोई नहीं सुधारने वाला, और जब तक राष्ट्रद्रोह के मुद्दे में आप स्ट्रिंजेंट सामने कानून के हिसाब से सजा देके पब्लिक हैंगिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, क्यों तुम मेरे खिलाफ, मैं मेरे खिलाफ आपके खिलाफ कोई इंटरनेट पर लिखता फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे खिलाफ कोई लिखो बाहर में जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, हम तुम पे ज्यादा अटेंशन है, भाड़ो क्योंकि तुम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो मेरी पोस्ट पे, मैं कमेंट पढ़ता हूं, मेरे पास इतना वक्त है, लेकिन तुम मेरे राष्ट्र के खिलाफ और मेरे को कोई स्क्रीनशॉट भेजता तो मैं घर में दौड़ के बैठा, फिर मेरे से जो जो आता है ना, मैं कानून के पूरे दाव पेज भी जानता हूं और साइबर का भी दाव पेज जानता हूं। यहां बात यह है, सरकार को क्लियर होना पड़ेगा और कोर्ट्स को भी क्लियर होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए केस जाता है, मैं बताता हूं आपको लॉ के हिसाब से क्या होगा, सर हमने तो अभिव्यक्ति की आजादी की, हमने तो प्रोटेस्ट किया, हम देश के खिलाफ नहीं थे, मैम ये साबित मालूम है, वहां जाके वीडियो क्यों फुस हो जाता है, तो यहां पर मैम दो चार बड़े जजमेंट आना पड़ेगा, लेकिन फिर कहता हूं पीसफुल मार्च आपका अधिकार है लेकिन राष्ट्र के खिलाफ नहीं, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी मार्च करे उस पर दुनिया का सबसे खतरनाक कानून होता है राष्ट्रद्रोह, जब तक आप राष्ट्रद्रोहियों को नहीं ढूंढोगे तब तक मैम ये चलता रहेगा, लेकिन मैम पीसफुल के मैं साथ में हूं, क्यों, क्योंकि संविधान कहता है ना पीसफुल, लेकिन जैसे उसने आग जलाई तुम कौन सा झंडा फहराते मुझे कोई लेना देना है, मेरे तिरंगे को हाथ मत लगाओ, बहुत सीधी सी बात है, सो आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पहली बात, दूसरा कोर्ट्स को इसके मैम इस इन मुद्दों में कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना पड़ेगा, मैम मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि कोर्ट्स का है मैम, देखिए कोर्ट्स चलता है सबूतों और संविधान के हिसाब से, अगर वो ये साबित कर देता है एक वकील, मैम सीधी सी बात है पहली डेट को ना जज को पता होता है कौन सही है कौन गलत है, वो जज साहब है मैम, उनने पूरी पढ़ाई करके आए हैं, वकील को भी पता होता है, यहां बात यह है मैम अगर कोर्ट में ये प्रूव कर दिया आपने कि नहीं हम तो जो मार्च कर रहे थे पीसफुल था, तो मैम ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि पीसफुल नहीं था, इसके पीछे ये एंगल है, दूसरी चीज फंड्स कहां से आया, कोई भी मार्च होता है मैम, मैं कहता हूं अगर 50,000 लोग आ जाते हैं वो किसी भी कहीं के भी हों, इनको इकट्ठा किसने किया, और इकट्ठा करने के बाद ये बात मुझे बताइए, अच्छा क्या यही लोग कोई भी हो, मैं सिंपल सी बात है मैं इनका सम्मान करूंगा हर आदमी का, मैम जब 26/11 का हमला होता है
जब मासूमों की जान जाती है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हत्या होती है, करने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी करते हैं, क्या यही लोग मार्च निकाल रहे थे? एक सवाल। दूसरी चीज, बांग्लादेश में मैम इंसान की कीमत तो करोगे ना मैम, इसीलिए मैं कहता हूं इसमें ना मैम, जब ऐसा कुछ होगा ना, जब आतंकवादी कोई हमला होता है, आतंकवादी को आतंकवादी के तौर पर लेना, और सीधी सी बात करता हूं, कल आप कह रहे हो ऑल आईज ऑन राफा, अरे तुमको लेना देना क्या, आधों को नक्शे में नहीं पता राफा कहां पर है, कितना दूर पड़ता है, किस बॉर्डर से कहां पड़ता है, बाजू वाले गांव का नाम बता दो। लेकिन मैंने उस समय कहा था जब ऑल आईज ऑन राफा सब कर रहे थे कि मजलूम और मासूम की जान, चाहे वो इसराइल ले पलस्तीन ले, मैम किसी मासूम को नहीं मारा जा सकता, युद्ध के कुछ नियम होते हैं, फोर्सेस फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ फौज लड़ेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मासूम किसी का भी मरे वो गलत है। लेकिन मैम मैं कहता हूं जब मेरे देश के मासूमों की हत्या होती है तब कहां चले जाते हैं सब लोग? मार्च निकालना, हर जगह निकालो ना, मैं भी साथ में आता हूं, आप जब आतंकवादी हमला होता है, हमारे जब लोग हैं, जब उनकी हत्या होती है तब कहां चले जाते हैं? तो मेरा मुद्दा यह है, यहां पर ना मेरा बड़ा एक सुझाव है पढ़े लिखे और देशभक्त मुस्लिमों के लिए, फिर से रिपीट करता हूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़े लिखे और देशभक्त, और जो देशभक्त जो इस वतन को अपना मादर वतन मानते हैं, इस देश को सब कुछ मानते हैं, मैम एक से एक बड़े देश बना, तो छाती पे लेके घूम रहा हूं, एक से एक को जानता हूं, अगर वो सब इकट्ठे हो हर बात के लिए तो उनको फॉलो करने वाले उनके भी लोग होंगे, फैंस भी होंगे, जो करोड़ों फैन है जिनके, उनको बात उठाना पड़ेगी। लेकिन राफा में अगर आवाज उठाओगे मैम, यहीं पर बात आती है, चाहे आसिफा का बलात्कार हो, चाहे प्रियंका का बलात्कार हो, चाहे शबनम का बलात्कार हो, चाहे नितिबा का बलात्कार हो, अगर आप बलात्कार में हिंदू मुस्लिम ढूंढोगे तो कलाब की बेटी सुरक्षित है क्या? यही बात है ना कि बेखबर काले उजाले रात तेरी सो रही है और गोष्ठी शीशों के घर में पत्थरों की हो रही है, शीशा कब तक बचेगा? तो जब तक हम ये बटते रहेंगे मैम, आज अगर हम अपनी बेटी, वो है ना कि अगर किसी और की बेटी जल रही है तो कल तेरी भी जल जाएगी, इसीलिए मैम सबको सोचना पड़ेगा, राष्ट्र को पहले रखेगा जो आदमी वो मेरा भाई है, और जो राष्ट्र का तिरंगा छुएगा वो मेरा शत्रु चाहे वो कोई भी हो, सीधी सी बात ही है। पर बात यही ना सर, ये चुपती बात वही है कि साले इंडियंस होके ही, भारतीय होके ये प्रोटेस्ट में उतर जाएंगे, बट यहाँ कुछ और है मैम मैटर, भारतीय है क्लियर कर देते हैं उसमें, भारतीय है, भारत का जिन मुद्दों से लेना देना है अगर वो उसमें प्रोटेस्ट करते हैं तो मैं उसको समझता हूं बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा मैम, धर्म संप्रदाय की प्रोटेस्ट अलग होती है, राष्ट्र की अलग होती है, आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, अगर चलिए एक बात बताइए, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर बांग्लादेश में ये हुआ जी, करेक्ट बात है, ऑल आईज ऑन बांग्लादेश की, हिंदूज की बात मैं बात करता हूं, चलिए बांग्लादेश भी बाहर का मानता हूं मैं, ये बताइए फिर से उसी बात पे आता हूं, एक बच्ची या एक लड़का, मॉब लिंचिंग का नया कानून गृह मंत्री जी ने जब पेश हुआ और पूरे जब कानून मंत्री जी कहा, मॉब लिंचिंग को बहुत बड़ा क्राइम माना गया, मैं तो हमेशा से कहता हूं, अब मैम एक बात चलिए आपसे पूछता हूं, हिंदू का लड़का हो, मुस्लिम का लड़का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो एक बच्चे को भीड़ मिलकर मार दे? आप मुझे बताइए, कारण कुछ भी हो सकता है मैम, अगर मैं कहता हूं कि उस लड़के को मैम ऐसे तो फिर पूरा का पूरा मैम फिर तो पूरा सब कानून हाथ में ले लेंगे, यही बात है, हम कहते हैं चाहे वो किसी के बच्चे की हत्या हुई हो, आप रहिए ना साफ बोलिए ना, मैं कहता हूं मेरा खंगाल के देख लीजिए मेरा इतिहास का, मैंने मैम सही को सही और गलत को गलत कहा है जी। सीधी सी बात है, अगर रेपिस्ट है तो रेपिस्ट का धर्म बाद में है, पहले ये देख कि इसने कृत्य क्या किया है, मैम कर्म पर अगर फोकस करेंगे ना मैम तो सब सही हो जाएगा। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट पीसफुल है, तुमको जहां करना है एक काम करो अभी भी करो, वतन के खिलाफ नहीं, ये क्लैरिफाई जी, जी, जी क्लियर हूं इसमें क्लियर हूं। सर जनरल रावत ने कहा था कि इंडिया एक 2.5 फ्रंट वॉर फेस कर सकता है, लेकिन आपने कई बार ये बात कही है कि इंडिया 3.5 फ्रंट वॉर के लिए फ्रंट वॉर फेस करेगा, सो एक फ्रंट चाइना से है, एक पाकिस्तान से है, और 1.5 इंटरनल है, इंटरनल इसमें सब कुछ आ गया मैम, करेक्ट इंटरनल है, तो अब डिफेंस फोर्सेस जो है चाहे बाहर इन कंट्रीज से तो लड़ सकते हैं, लेकिन इंटरनली कैसे? जी मैम, अब यहाँ तीन चीजों पे काम, चार चीजों पे काम करना पड़ेगा, पहला संस्कार पे काम करना पड़ेगा मैम, अगर परिवार के संस्कार बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, परिवार, समाज, राज्य और सरकार, सरकार के लेवल पे सरकार क्या कर सकती है, उल्टा वो शुरुआत करते हैं, सरकार के लेवल पे ये कर सकती है ना, हमें इंटरनल सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एज द प्राइमरी सब्जेक्ट, सबसे नंबर वन पे कुछ आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एक्सटर्नल के लिए फोर्सेज, ऐसे ही मैम इंटरनल के लिए हमारी एजेंसी जगह बड़ी कॉम्पिटेंट एजेंसी है,
मतलब आप एनआईए की बात करें, सीबीआई की बात करें, एटीएस की बात करें, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, इंटकोर की बात करें, जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स होती है उनकी बात करें, ऑपरेशन यूनिट होती है, कॉवर्ट यूनिट्स होती है, मैम सब कैपेबल है। लेकिन क्या हो जाता है, आप जब तक अधिकार नहीं देंगे कैसे होगा मैम। अब हम बोल रहे हैं कि मैं ही वो आदमी हूं जिसने 3.1 मैं 3.5 का मैंने वर्जन दिया कि 1.5 मानना पड़ेगा हमें इंटरनल सिक्योरिटी। उदाहरण मान लीजिए रोहिंग्यास का आपने लिया, तो रोहिंग्यास में सही कौन गलत कौन है सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा भाई। आप आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना आपको प्रॉब्लम क्या है। अब मान लीजिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गए, लेजेंड ने कहा, जनरल बिपिन रावत साहब ने कहा, सीडीएस थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने ये बात कही। मैं सीधी सी बात यह करता हूं कि उनके आगे मैं क्यों गया इस बात को रखने के लिए। 1.5 इसलिए दंगे हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। ये क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है? इसका फेलियर की जिम्मेदारी आज तक किसी ने ली? राष्ट्र के कोई भी दंगे हुए, आप मुझे एक अधिकारी बता दीजिए मैम, एक अधिकारी जिसको सजा दी हो कोर्ट ने, उस अधिकारी को किस लिए वैसे नौकरी मिली थी? ये बड़ा सवाल है मैम। अब क्या, अच्छा फेलियर, मैं कहता हूं फेलियर किसका है, हर लेवल पे फेलियर हो जाता है मैम। जब कोई दंगे होते हैं तो मैम ये बहुत बड़ा फेलियर सबसे पहले होता है, इंटेलिजेंस का फेलियर होता है। लेकिन इंटेलिजेंस का फेलियर के पीछे की चीज है, भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, हम पूरा इंटेलिजेंस नहीं रख सकते, बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम अमेरिका यूके से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। यहां सबसे बड़ा मैटर है पॉपुलेशन का, इसीलिए मैं 10 साल से चिल्ला रहा हूं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल चाहिए। क्यों चाहिए उसका? हाँ, कुछ लोग कहने आ जाएंगे कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन का यूज किया। अच्छा, चाइना में तानाशाही कैसी थी कि तुमको जूते मार के काम करवाएंगे, भारत में इधर पे आदमी को आप 12 घंटे से 12.5 घंटे बोल दोगे तो पूरा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, हम क्यों 12 घंटा एक्स्ट्रा काम करें। मानव अधिकार अपना नाटक, मानव अधिकार आज तक ना मैम एक सिपाही के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। मानव अधिकार से मेरी ये प्रॉब्लम है, बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, मानव अधिकार सिर्फ और सिर्फ ना 90% उनको अपने एजेंडा के हिसाब से चुन लेते कि इसके लिए मानव अधिकार लगेगा। सिपाही का मानव अधिकार नहीं, जिस बच्चे को हमारे उसकी डेड बॉडी को काट दिया जाता है, सौरभ कालिया के साथ क्या होता है कारगिल के युद्ध में, वहां मानव अधिकार वाला कोई नहीं आता। यहां पर हमारे बच्चों की आंखें निकाली गई, जो उनकी बॉर्डर एक्शन टीम है, जो बीएटी जो पूरी पूरी पाकिस्तान की है मैम, वो हाथ काट लेती पैर काट लेती है और उनका पूरा ऊपर वहां सम्मान मिलता है। जब हेमराज का सर जाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता, उस समय मैं मानव अधिकार नहीं आता। तो यही पर एक सवाल आता है, ये मैं इंटरनल सिक्योरिटी लेता हूं कैसे मैम। आज अगर सरकार चाह ले मैम, ज्यादा बड़े बोले वही वाली बात है ना, आप मुझसे सलाह मांगते, मैं हमेशा कहता हूं सोल्यूशन तो है, बैठने भी तैयार हूं, लेकिन मैम मेरी कोई मजबूरी नहीं है, राष्ट्र को अपना समझता हूं इसलिए सलाह दे रहा हूं इस बात के लिए। सरकार बड़ा सिंपल से मैम, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर सब सुधार सकती, सरकार अपने पे आ जाए। इसका इंटरनल सिक्योरिटी का बेसिक सा उसूल है, पुलिस को लिमिटेशन से बाउंड ना करे, पावर्स में बाउंड करे कि आपका इतना पावर है, मतलब आप किसी को मार नहीं सकते हो, लेकिन आप उसको इतना तगड़ा तरीके से उसका केस तैयार हो सकता है मैम कि वो जिंदगी भर नहीं बच सकता। आपको उदाहरण देता हूं, इस देश का कमाल की विडंबना है कि एक आतंकवादी मैम जेल से भी चुनाव लड़ लेगा ना, जिसपे आतंकवादी होने के आरोप है, नहीं नहीं तो वो संसद बन सकता है। लेकिन यहां पर एक पुलिस अधिकारी पे इंक्वायरी बैठी है मैम, तो वो आदमी बेचारा उसको क्वार्टर भी ले लिया जाता है, कमाल का धिक्कार है। अरे उसपे इंक्वायरी बैठी है ना, एक पुलिस का आदमी मान लीजिए कि एनकाउंटर है, अच्छा फेक है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। जिस दिन ये डिसाइड, मानो सबसे पहले विभाग क्या करता है, उसको सस्पेंड कर देता है। अरे भाई उसने अगर फेक एनकाउंटर किया, अब मैम उसके घर कैसे चलेगा? फिर आप चाहते हो कि वो आदमी आपसे फिर लॉयल रहे? मैम बहुत सारे एंगल है इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल कहां से आएगा? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, मुझे ये बताइए, लॉ का मतलब तो सबको पता है, ऑर्डर का मतलब बताइए। सब कहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर, आप तो इतने लोगों से मिलते, मैं कहता हूं लॉ का सबको मतलब, ऑर्डर का मतलब बताइए। बहुत सारे मतलब होते हैं जी, एक तो होता है लॉ एंड ऑर्डर की ऑर्डर के हिसाब से चीजें चले, ऑर्डर वन ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री, मतलब ऑर्डर का मतलब एक सीक्वेंस में चले, एक ये होता है। दूसरा ऑर्डरिंग अथॉरिटी कौन है, लॉ बेस्ड ऑन ऑर्डर, एक मतलब ये भी हो सकता है, वो तो बनी बात है, आप किस चीज को, वही है ना नुक्ते का गेम है पूरा, बहुत कमाल का नुक्ता का गेम है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, सही जगह पॉज ले लिया तो मतलब बदल गया। बीबी ने रोते हुए पति को उठाया, बीबी ने रोते हुए पति को उठाया, बीबी ने रोते हुए पति को उठाया, हर जहां पॉज है, ये पॉज है मेरे हिसाब से ऑर्डर। आपने क्या बोला कि इन सबको साफ करो, तो मैम साफ हो जाएगा, देखो यार इनमें से कौन अपना है उसको रोक दो, बाकी सबको साफ करो, तो ये अलग ऑर्डर है। सीधी सी बात है, अगर ऑर्डर क्लियर होगा ना, इफ द ऑर्डर इज क्लियर देयर वुड बी नो कंफ्यूजन इन द ऑप्स। दैट्स व्हाई ऑप्स का कमाल की बात क्या है, ऑप्स में सीधी सी बात है, सर चाहिए सर मिल जाएगा, सर ये मत पूछना कि सर आपको क्या बताना है, आपको सर से मतलब है, सर को बता देंगे, सर ने कहा है सर चाहिए सर को, हम सर लाके दे देंगे, सर हमसे ये ना पूछे कैसे लाके देंगे, सर अपना काम देके हम सर का काम देख लेंगे, हम सर लेकर आके सर के पास रख देंगे, दैट्स इट।
ऑपरेशन इतना क्लियर होगा तो क्लियर, तुमको सर चाहिए सर मिलेगा, आपको लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना है, लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर से चलता है मैम, पुलिस को भारत की पूरी पुलिस फोर्सेस को मैम बड़ी कॉम्पिटेंट है मैम, भारत की पूरी पुलिस फोर्स को 30 दिन का टाइम दीजिए और 300 नाम दीजिए, 30 दिन का टाइम 300 नाम इस देश के अंदर मैम, ज्यादा बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, चुंगे भी लिमिट में आ जाएंगे, पुंगे भी लिमिट में आ जाएंगे, सब अपनी औकात में आ जाएंगे, बट मैंने क्यों कहा 30 दिन बाद उनपे भी इंक्वायरी हो, क्यों बट इंक्वायरी कौन करे जो बिल्कुल देशभक्त हो, मतलब मैं बात करता हूं जुडिशरी को इसमें आना पड़ेगा, इंटरनल सिक्योरिटी जुडिशरी कुछ ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है कि मैम अगर किसी को आतंकवादी घोषित किया तो इंटरनेट पे मत करो, मैं इससे मीडिया ट्रायल के बहुत खिलाफ हूं, उसके सबूत जल्दी से पेश करो, जैसे निर्भया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस बच्ची की मैम फोटो लीक हो गई, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस बच्ची का नाम कैसे आ गया मैम बाहर, मैं कभी किसी वीडियो में किसी बच्ची का नाम नहीं लेता हूं, जबकि बाहर भी आ चुका होता ना, मैं कभी फोटो यूज करता हूं मैम, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर कोई नहीं मान रहा तो डर ही खत्म हो गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक बात है, दूसरा सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर चाहे लें तो वो तो मैम आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की चीफ है, सेम गृह मंत्रालय के अंडर में आती है मैम, अगर मान के चले इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में तीन चीजें कर सकते हैं, नंबर वन पे ये कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप लिस्ट बना दीजिए और लिस्ट बना के पुलिस को सौंप दीजिए, वो पुलिस का काम है, आराम से पुलिस हैंडल कर लेगी मैम, मैं जानता हूं मैं बहुत सालों से इनके साथ काम कर रहा हूं, कमाल के लड़के हैं मैम, लेकिन पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, आपको लगता है सरकार आपकी बात कहीं ना कहीं सुन रही है मैम, वो तो सुनती है ना, और ऐसा नहीं है कुछ कुछ स्तरों पे ये बातें होती हैं, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कई बार मैंने देखी चीज जो मैं 10 साल से वोकल, और सीधी सी बात है ना, बात भी ना रखूं ये तो मक्कारी है ना मैम, गद्दारी हो गई वतन से, मेरे पास मैम सरकार को मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन मैं इकलौता आदमी हूं जो ये गारंटी लेता हूं, मैं जो हर हर जो बात कह रहा हूं ना मैं करने की औकात रखता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, दैट्स सिंपल, क्योंकि मेरा कोई और एजेंडा नहीं है मैम, मेरा सिर्फ एक एजेंडा था मैम, सर्वोपरि मां थी, भारत से बड़ा कुछ नहीं, और तीसरा एक सलाह इसमें है मैम, समाज के तौर पर कुछ गलत होना तो हमें विरोध करना पड़ेगा मैम, जात पात ऊंच नीच धर्म संप्रदाय को छोड़कर मैम, जिस दिन भारत का हर नागरिक इसको अपनी मां मान लेगा, इस राष्ट्र को अपना सब कुछ मान लेगा ना मैम, वैसी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू सुधर जाएगा, तो यही है मैम। सब मुझे ना काफी टाइम से जितने भी वीडियोस हम करते हैं कमेंट्स में मणिपुर के लिए बोला जाता है कि हम मणिपुर के लिए बोल नहीं रहे या हम मणिपुर के बारे में बोल नहीं रहे, काफी टाइम से हम सुनते भी आ रहे हैं मणिपुर जल रहा है, करेक्ट, आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? बिल्कुल सही बात है, इसमें अगर कोई लिख रहा है कि मणिपुर जल रहा है, नहीं सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है मैम, मैं फिर कहता हूं कि कई बातें ना वाद विवाद से बड़ी चीज है संवाद, जी वाद विवाद क्यों जरूरी, मैं हमेशा कहता हूं आप राष्ट्र का हमारा हिस्सा है ना, मणिपुर पे मेरे भी कई लोगों ने कमेंट में लिख रहे थे, लेकिन उनसे बेचारों से एक गलती हो गई, जिस दिन ये हुआ था मैंने मैं तो उस दिन ही वीडियो बना के डाला था, लेकिन क्या हो जाता है विचारधारा की बात है, अगर किसी ने मान लिया ना कि आप इस पे बात नहीं कर रहे तो आप वीडियो भी बना के डाल दोगे ना, तो बोलेगा अरे ये हमारे तरीके से बात नहीं की, नहीं हमने वो फैक्ट्स रखे जो उस दिन हुआ था, उन बच्चियों को मैम निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, गांव में बच्चियों के साथ बलात्कार होकर उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, और उस समय अगर जो जो लोग चुप थे मैम, मैं सबको गद्दार मानूंगा, चाहे वो किसी भी स्तर का कोई भी आदमी हो, क्यों नहीं मैम, भारत का अभिन्न अंग है, हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, हमारे एक इंटेग्रल पार्ट है मणिपुर, मैम मणिपुर में सीधी सी बात है, वहां पर आप बहुत सारी चीजें हैं, वहां पर एक ट्राइब्स की भी बात है, वहां पर कम्युनिटीज की भी बात है, मैं ये कहता हूं जब तक हम रिप्रेजेंटेटिव्स, अच्छा इसका दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है उसका पावर के साथ, मतलब फोर्सेस के द्वारा, अब सुबह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसको लागू करके अगर फोर्सेस जाती है तो एक सोल्यूशन होता है, लेकिन मैम क्या होगा ना कई बार उसके बहुत सारी अलग भी चीजें हो सकती है, लेकिन दूसरा जो उसका सिंपल है CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जो गृह मंत्रालय चाहे क्योंकि गृह के बीच का है, भारत सरकार का मुद्दा है, सीधी सी बात है हमें सबसे पहले तीन दो तरीकों से कर सकते हैं, पहले तो कंट्रोल करना पड़ेगा जो वहां चल रहा है, कंट्रोल फोर्स से होगा, कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल कर दिया मतलब जो वायलेंस हो रहा है मैम भड़कता रहता, अभी पिछले महीने फिर हुआ था जब, अच्छा वहां पर ड्रोन से अटैक हो गया मान लीजिए और वहां के लोकल्स ने हथियार उठा लिया, सबसे बड़ी चीज है हाँ मैम, हमने तो नक्सलियों का जो प्रॉब्लम था तो नक्सलियों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए हैं, यहां पर यह जो भी आर्म्ड वायलेंस कर रहा है पहले आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हथियार कहां से आ रहे पहले वो चेन तोड़ना पड़ेगी, फंड्स कहां से आ रहे पहले वो चेन तोड़ना पड़ेगी, तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जब तक हम साइबर की यूनिट्स हैं, जब तक हमारी कोवर्ट ऑप्स की यूनिट जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्यों आप एक को मारोगे दूसरा आ जाएगा, यही तो है ना कि लेगेसी चली जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर बाहर के होते तो आप डायरेक्ट हमला कर देते, अंदर के हमारे लोग हैं, हमें मिलकर क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनकी चैनल्स काटना पड़ेगा, फंड का, उसके दो ही बड़ी चैनल होती है, फंड का, फंड के बेस पे या फिर हथियार,
वो जैसी काटेंगे उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सप्लाई बंद होगी। सप्लाई जैसी बंद होती है, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के सरकार के लोगों को जाना चाहिए। सीधी सी बात है, पीस टॉक होती है मैम, इसको फ्लैग मार्च जो बोलते हैं, फ्लैग टॉक्स भी होती है। आप बैठिए, उस पर चर्चा कीजिए, उस चर्चा के बाद ये होगा। जो उनकी मांग, मैम दुनिया की ऐसी कोई मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। सरकार इज अल्टीमेट। जैसे एक बड़ा जोक है लेकिन कमाल का है कि हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो है। अरे पैसे हमारे पास है, रिजर्व बैंक खुद छाप लो। एक तो ये वर्जन है, दूसरा ये है कि नहीं क्यों आ रहा है उसको करो। तो दो तरीके हैं। एक ये है मैम कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन वाद विवाद। अच्छा, एक बहुत कमाल की बात है मैम, एक सुनील अम्बेकर साहब है जो अभी प्रचार प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो एबीवीपी के प्रमुख हुआ करते थे। हम लोगों ने मिशन साझी करके साथ में मिशन प्रहार, उसके कोलैबोरेशन में 18 लाख लड़कियां बच्चियों को ट्रेन किए। तो श्री सुनील अम्बेकर साहब है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मनभेद जो है वो अलग है और मतभेद होना आवश्यक है, मतभेद होता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये कमाल की बात है मैम। तो ये जो चीज है ना कि हम मतभेद तो होगा ना मैम। एक बात बताइए, आप विवाहित है, मैं विवाहित हूं, परिवार ना चले अगर मतभेद ना हो तो मैम हर चीज अग्री नहीं हो सकती। मैं बोल रहा हूँ सब्जी पे आप अग्री नहीं करते हो, सब्जी पर खाना क्या बनना है मैम इस पर अग्री नहीं करते हैं। दिन में 3 बार इस पर भी झगड़ा हो सकता है अगर आप झगड़ा करने आओ, और सॉल्यूशन निकालने तो ऐसा है जो बन गया भगवान ने दिया है। तो इसका मैम सॉल्यूशन ये है कि मैं ये कहता हूं कि शांतिपूर्ण रूप से मैम जो मांग है, जो प्रैक्टिकल है वो दे दी जाए। देखिए कोई नीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मणिपुर मैम हमारा हिस्सा है, हमें ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हम किसी बाहर के आदमी को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली सर, आपके फेवरेट टॉपिक पे आ जाते हैं जी, पाकिस्तान के। क्या बात है ना। सर पाकिस्तान एक टेररिस्ट हब है, हम सभी जानते हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट हमेशा टेररिज्म को बढ़ावा भी दिया है, उनकी इकोनॉमी भी टेररिज्म पे ही चलती है। अभी रिसेंट में जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे थे वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोकेशंस पर भी उन्होंने अटैक करवाया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। यू रिमेम्बर दिस इंसिडेंट? आई डू जी। तो हम उन टेररिस्ट को इंडिया में अंदर आने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए क्या किया जा सकता है? बहुत सिंपल सी बात है, असॉल्ट एक मेथड होता है उनके इधर, जैसे MBBS चलता है जी, मास्टर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट सर्विसेज करके उनका है, उनके बहुत सारे कोर्स चलते हैं ना, वो सब मैम क्या है, जिहादी लोग हैं। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान पे, मैं आपके पॉडकास्ट पे बहुत जोर देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि चिंदी चोर लोग हैं मैम। मतलब वो क्या है, चाय भी जो है पेपर पे लिख के चाटते हैं, उनको चाय भी नहीं मिलती। इतने गरीब लोग, भूखे, नंगे, भिखारी, चिंदी चोर। इसीलिए मैंने एक हैशटैग दिया था मेरा, उस पर मैं कभी ना कभी इस पर मूवी बनाऊंगा, हैशटैग PKMKB और हैशटैग CKMKB। हाँ तो वो आप रहने दीजिए, वो आप गूगल करिएगा, वो अच्छा नहीं है बट कमाल का है। तो पाकिस्तान की और चाइना की, उसके बाद फिर MKB है, तो आदमी बहुत सारे उसके मतलब होते हैं, मेरा वाला मतलब सबको पता जो मुझे जानते हैं। सीधी सी बात है, इनको छोड़ते रही बात टेररिस्ट अंदर कैसे नहीं आएंगे, हमारी फोर्सेस बहुत कैपेबल है मैम। कहीं ना कहीं पोर्ट्रेयल गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि हर टेररिस्ट को मैम, मैं कहता हूं कि आने की परमिशन छूट देना चाहिए भारत में जी। हर टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आना चाहता है उसको बिल्कुल छूट होना चाहिए, आप भारत में आ सकते हो। लेकिन मैम मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में इतनी दहशत पैदा कर दो कि भारत का नाम सुन के पेशाब निकल जाए, पावर तो इसको कहते हैं मैम। दूसरा एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है, उससे पहले मैंने एक मैम थीसिस दी थी, जब मैंने डॉक्टरेट का एक सर्टिफिकेशन कोर्स जो होता है ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने उसका किया, तो वो काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी और आर्म्ड अर्बन वॉरफेयर, क्योंकि वॉरफेयर जो होता है वो आर्म्ड ही होता है हथियारों के साथ। तो मैंने एक थीसिस दी थी COMBAT, कॉम्बैट। तो इसका मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? मैं एक एब्रीविएशन सिंपल से देता हूं, आपके हिसाब से क्या होता है कॉम्बैट? कॉम्बैट का जनरल मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा से संबंधित या किसी प्रकार का युद्ध, नियुद्ध, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं कहता हूं COMBAT, जिसकी मैंने थीसिस भगवती की कृपा से 9,700 पेज से ऊपर उस पर लिखा, जो कि धनुर्वेद से शुरू किया और मॉडर्न वॉरफेयर क्रिप्टो पर लाकर पटका उसको, इतना लंबा जो भी कर पाए थे उस पर रिसर्च की थोड़ी सी और काम किया, 7 साल काम किया उस पर। उसका जिस्ट समझाता हूं, COMBAT, काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर टारगेट्स। एग्जांपल देता हूं, आपके पास हथियार है, इसको सिंपल समझिए, आपने अपना हथियार निकाला और मैंने अपना हथियार निकाला, काउंटर ऑन मोशन, आपने एक मोशन मूव किया, आपने हथियार निकाल के मूवमेंट किया, काउंटर ऑन मोशन बिफोर द अटैकर टारगेट। तो आपने निकाला, मैंने लोड किया, मैंने पहले गोली मार दी, तो ये हो गया काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर टारगेट्स, पहली चीज। अभी इसको बड़े पर्सपेक्टिव में समझिए, आपका शत्रु आपको पता है कोई मोशन करेगा, काउंटर ऑन मोशन, यही तो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स का काम होता है, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स का काम क्या होता है जी? इससे पहले वो हमला करें, आइडेंटिफाई करो, घर में ठोको,
खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमारा सिंपल सा नाम, हमारे देश में कहावतें पुरानी। दूसरा, अब लेजेंड्स क्या कहेंगे इसमें। दूसरी थीसिस उसी के आगे का है, काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर थिंक्स। अच्छा, एक है टारगेट, तो टारगेट का मतलब उसने मूवमेंट तो शुरू किया लेकिन बीच में मार दिया आपने, वो कंप्लीट करने के पहले मार दिया। मैं कह रहा हूं काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैकर थिंक्स, इससे पहले वो विचार करे भारत के खिलाफ, खत्म करो। मैम, चाणक्य का कमाल की चीज है, उनको फांस लगी थी तो वो मठा लाए थे, और मठा जो वो है तो मठा उस जड़ के आजू बाजू डाल रहे थे, ठीक है। तो एक पौधा था, तो किसी ने पूछा कि ये पागल ये क्यों कर रहा है कौटिल्य, तो उनने बोला कि मैं शत्रु का समूल नाश करने पर भरोसा रखता हूं, मठा जब मैं उसकी जड़ों पर डालूंगा तो कुश का जो पेड़ है कीड़े आके इसको खाएंगे। तो मैम उनने जड़ खत्म कर दी, पूरा समूल नाश। सीधी सी बात है, आम आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के, मैम उन लोग तो खुद परेशान है बेचारे, हर बार चुनते हैं, हर बार पता नहीं किसको चुन लेते हैं, फिर उसके बाद वही है एक नया आ जाता है, उनको क्या करना। मैम उनकी तो खुद की विचारों की ऐसी बुरी हालत है कि वो जिसको चुनते हैं उसको अच्छा 3 महीने बाद वही जेल चला जाता है। हम हंसते हैं इस बात में, उनका उनके इधर से मोर चुरा के ले गए, फ्रिज चुरा के ले गए, आर्मी के चीफ के इधर से। तो कमाल की बात यह है, मैं ये सोच रहा था कि कमाल की सुरक्षा है, मतलब बेहतरीन इस बात की, आतंकवादी चिल्लाए तो मैम उनके आजू बाजू के लोग भाग गए क्योंकि सुरक्षा में भी आतंकवादी थे, सामने से जो आ रहे वो भी आतंकवादी हो, फिर बाद में आके वो डांडिया खेलते, उन लोग डांडिया उनका अलग चलता है मैम गरबा, उनका ऐसा कोई AK-47 से खेल रहे मैम, उनकी कमाल की बात है। AK-47 उनको मिल रही है 350 रुपए की और कारतूस मिल रहे 900 रुपए का, महंगे हो गए। तो बेचारे उससे आजकल क्या कर रहे, उससे कपड़े कच्चे सुखाते हैं। इसके ऊपर तो मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता है, देखो भाई उनकी आवाम के लिए मुझको दया आती है मैम। तुमने सोचा जिसको चीता वो निकला, तो चीते चुनने के लिए गए थे, चुन लिया आपने पपीता टाइप का जो भी है, मरने दीजिए मैम। राम न मारे काहू को नहीं हत्यारे, राम अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम, माँ मेरी बोलती है। इनका ऐसा मैम, इनको करने देते, इनके घर में घुसकर मारना पड़ेगा और मार भी रहे। मेरा लेकिन उल्टा है, सरकार को मेरा एक सुझाव है कि मार कोई भी मारे, हम तो बोलते हैं सरकार को हमारी क्रेडिट लेना चाहिए। मान लो ये आपस में लड़के मर गए, भारत सरकार को बोलना चाहिए हमने मारा, क्यों? सिंपल सी बात है, कोई भी भारत का जो शत्रु मरे भारत सरकार को उसका हमारे इधर क्या होता है, क्रेडिट नहीं लेना। अरे क्रेडिट लेना चाहिए भाई, क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहिए, क्यों? दहशत फैलाने के लिए मैम उनका एक पैटर्न है, मेथड ऑफ डिसीट बोलते हैं वो जी। वो मास्टर्स है उसके, मतलब इतना भूखा नंगा देश। ब्रांडिंग देखो आपकी, आपको कहीं पर भी आपको दुनिया में अगर हमला हुआ है टेररिस्ट, आपको पता है पाकिस्तान क्या ब्रांडिंग है मैम, क्या काम किया, कितने कर्म देखिए, कितनी मेहनत की उसके लिए उन लोगों ने। मैम सोचिए उनका क्या ब्रांडिंग है, कहीं पर भी कोई भी गाली बकेगा किसी आतंकवादी को तो पाकिस्तान में बोलेंगे वाह 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 हमारे भाई को गाली पड़ी, क्योंकि हमारे इधर के लोग हैं। तो मैम इनको ऐसा है, हम कहां पहुंच गए, वही वाली बात है ना कि चांद पर झंडा होना और झंडे पे चांद होना, बस इतना फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारा झंडा चांद पर है और उनके झंडे में चांद है, इतनी सी बात है। तो वो उसमें खुश है, हम अपने पे खुश है, कोई बात नहीं। मैम भगवती से प्रार्थना करते हैं कि बस वो भारत के खिलाफ ज्यादा लोग ना आए, हमारे इधर तो सिंपल सी बात है, इतना पीतल भर देंगे जिस दिन फौज अपने पे आ गई, एक बार खुला हाथ दे दीजिए। मैम मेरा एक डायलॉग है, मैंने आतंकवादियों के लिए पहले भी कहा था, सुनो बे, मैं भारतीय सेना की तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं अपनी सेनाओं को और जितना मैं जानता हूं अपने योद्धाओं को, एक बात कह रहा हूं बहुत क्लियरली, सुन बे, जितने आतंकवादी वहां पाकिस्तान में बैठे और भारत के दुश्मन जहां पर भी, तुम्हारे शरीर तुम्हारे धड़ों पर जो सर है ना, हमारी अमानत है, जिस दिन चाहेंगे साले कराची पेशावर इस्लामाबाद से काट के ले आएंगे, तो जब तक दिए छूट सर रख के घूमने की घूमो, औकात में रहना, वरना ना ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट बहुत बाद में किया है, बहुत साल से कुछ और कर रहे हैं। तो मैम बहुत सिंपल है, इनको छूट है जिंदा रहने की आतंकवादियों को, जब तक हमारी फौज पगलाती नहीं है, वरना मैम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ना पीर पंजाल के पहाड़ से बड़ा धड़ों इनके सरों के पहाड़ बना देंगे स्पेशल फोर्सेज भारत की, अगर अपने पे आ जाए तो। वही है, छूट दे दीजिए, एक हमें पत्र दे दीजिए, फिर बताते हैं जी। इजराइल का जो पेजर अटैक था वो बहुत इम्पैक्टफुल था सर, अभी बहुत ज्यादा खतरनाक था। हमारे जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने भी इसको एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बताया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इससे कुछ सीख सकती है, और क्या जरूरत पड़ने पर हम सिमिलर स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपके प्रश्न के 3 एंगल है। पहला एंगल ये है कि जो जनरल ने कहा, जो आपने कहा कि बहुत अलग अलग देशों में, मतलब विदेशों में जाकर उन्होंने पेजर अटैक किया, सिर्फ पेजर नहीं है, वॉकी टॉकी है, उसमें इक्विपमेंट्स है, उसमें मोबाइल्स भी है, बहुत सारी और चीजें, वो आपको बाद में पता चलेगी, गाड़ियों की बैटरी है, बहुत सारी जो भी चीज ब्लास्ट हो सकती है वो सब ब्लास्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे चीज होते हैं। वैसे अभी इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ अभी तक इतना ही जाना है, आपने ई मर्डर के बारे में नहीं सुना है।
ई मर्डर इज व्हाट द मोस्ट मॉडर्न वॉरफेयर. ई मर्डर एक सिंपल से बताता हूँ टेक्नोलॉजी, टेक मर्डर ई मर्डर है. आपके पास एक फोन आता है, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आता है, आपने एक ईयरफोन ऑर्डर किया है, उस ईयरफोन के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजिव होगा. जब आपने तो ऑर्डर किसी वेबसाइट से किया है, वो आपके पास आता है, आपने खोल के लगाया हुआ है, जैसे लगाया कॉलर धाम सिर फट जाएगा. वो तो एक मतलब प्रीमियम हो गए, प्रीमियम सर्विसेज तो बहुत सारी, इंटेलिजेंस की बहुत सारी, इंटेलिजेंस और बहुत सारी कोवर्ट ऑप्स यूनिट की बहुत सारी सर्विसेज है. अभी एक सर्विस का उपयोग किया गया जिसको कहते हैं पेजर अटैक, और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ई अटैक्स हैं. तो अब आते हैं कि उनने जो किया मैम, वो देखिए इसराइल किसके लिए कैपेबल है किसके लिए, मैं उसमें इसलिए बात नहीं करता हूं, वो दुनिया को पता है जो म्यूनिख के बाद हुआ था, ओलंपिक के बाद, वो ठीक है. इसराइल के से असॉल्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, और मैं उनके साथ जो मैं इसीलिए मैंने वो देश चुना अपनी समझ के लिए, काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी सीखने के लिए, उनके साथ जो भी एसोसिएशन छोटी मोटी जो है मेरी वहां से उनसे की है, क्योंकि मैम बहुत क्लियर है वो. उनके ना फर्जी वाला नहीं चलता, उनके साथ कैसा फर्जी वाला नहीं चलता, वो ना मैम गाते ही नहीं है, कमाल की बात यह वो कर देते हैं. हमारे इधर बकैती चल रही है, तुम्हारा जैक कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, रहने दे भाई, जिसको करना होता ना इतनी बातें नहीं करता था, सीधी सी बात है. रही बात चीफ ऑफ स्टाफ की, जो सॉरी जो सीओ है उसकी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं, जो जनरल साहब ने कहा, मैं उनसे बड़ा तो कुछ सोच भी नहीं सकता, वो बड़े व्यक्ति हैं, उनका पद बड़ा है, उनने पूरी दुनिया देखी हुई है. तो जो उनने कहा है, मैं बिल्कुल कि मास्टर स्ट्रोक का मतलब क्या होता है ना, इसमें दो चीज होती है, स्ट्रोक की मास्टरी होना जरूरी है तभी आप मास्टर स्ट्रोक दे सकते हैं. इसका मतलब उनने इसके इजाद करके इसकी प्रैक्टिस कितनी की होगी, टू बी प्रसाइज, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अटैक तो कोई भी कहीं पर भी कर सकता है, बात वो है ना कि 10 घूसे मारना, ये एक कंटा आप जिसमें कान फट जाए, और दूसरा हमला जिसमें बहुत कुछ और सारी चीजें आप कर सकते हो. तो यहां पर ये बात आती है कि रही बात जब आपने कहा कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को या हमारी यूनिट्स को सीखना, कुछ नहीं सीखने की जरूरत है मैम, वी आर वेल कैपेबल इनफ आवर यूनिट्स. कमाल की बात यह है कि आपको अगर लगता है कि जो आपको इंटरनेट पे दिखता है या जो बॉलीवुड आपको दिखा रहा है RANW के बारे में जो दिखा रहा है, जैसे एक यूनिट जिसके बारे में इंटरनेट या किसी मूवी ने आज तक कुछ दिखाया नहीं है, जो सबसे पावरफुल जो है इंट कोर के बारे में जानते हैं आप, मिलिट्री की, आपने AIB के बारे में सुना है, आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आपने इंट कोर के बारे में सुना है, आपने MI के बारे में सुना है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आपने CCIU यूनिट्स के बारे में सुना है कभी, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स होती है जो इंटेलिजेंस को काउंटर करती है, और काउंटर इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें होती है मैम. उसके बाद आपने कभी TSD के बारे में सुना है, एक ऐसा विभाग जिसको बंद कर दिया गया, TSD टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, मैम लेजेंड्स रहे हैं उसमें, लेजेंड्स, और मतलब एक पूरा एंगल यह भी है कि पूरा आदर्श घोटाला जो है वो एक TSD ने कांड कर दिया था, सबको फंसा दिया था, क्योंकि उसने सच उजागर किया तो नीचे से ऊपर तक सबकी सरकार हवा हो गई थी. सोचिए TSD होती टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, कमाल की बात यह कि बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं कि बंद कर दी गई. मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा है, इंटेलिजेंस यूनिट कब शुरू होती कब बंद होती, विकिपीडिया में बंद होने से कुछ नहीं होता, यूनिट्स बहुत सारी है जो काम कर रही है. तो मैम हमें सीखने की, इसलिए हम लोग कैपेबल हैं हर चीज के. यहां बात आती है जिस दिन सरकार चाहेगी, तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में ऐसी बाइक पे आके लड़के मार के जा रहे हैं कौन है? आपको लगता है पाकिस्तान के खुद के ही लड़के हैं आपस की लड़ाई में? जमीन की लड़ाई पाकिस्तान में हो सकती है क्या? चिंदी चोर लोग 1.5 बीघा जमीन है गड़ने के लिए, केक के ऊपर एक गाड़ रहे हैं, उनके पास मरने के लिए जगह ही नहीं है मैम. सोच के लिए उनको उधारी में जमीन लेना पड़ती है, उनकी क्या जमीनों की लड़ाई? मतलब 2 टूटी लूना के लिए लड़ेंगे गधे लोग? हाँ पेट्रोल की एक बॉटल पे लड़ रहे हैं, पेट्रोल तो है ही नहीं, बॉटल पे लड़ रहे हैं. तो ये पाकिस्तानियों को जो मारा जा रहा है, जो उनके छोटे मोटे टेररिस्ट चिंदी चोर, इनको भी तो अपने लड़के कर रहे होंगे भारत के. लेकिन बात क्या, मैं कहता हूं ओनरशिप लीजिए. अब एक बात आती है पर्सपेक्टिव की. अच्छा ये आपको किसने बताया कि इसराइल ने हमले करवाए? इट्स ऑल ओवर, दिस इज कॉल्ड नैरेटिव वॉरफेयर. साइबर वॉरफेयर का एक हिस्सा है नैरेटिव वॉरफेयर. नैरेटिव वॉरफेयर के ऊपर होता है स्पेस वॉरफेयर, सिर्फ इकलौता वॉरफेयर बचा हुआ है. आपको क्या लग रहा है इलोन मस्क पगला है? पूरी दुनिया की स्पेस में घूम रहा है, क्यों चला जाता है वो रॉकेट लेके, क्यों भेज रहा है? स्पेस वॉरफेयर इज द फ्यूचर, कोई नहीं बात करेगा इस पे. ध्यान रखिएगा अगर स्पेस पर जाके एक जो लेयरिंग है उस लेयर को उदाहरण के तौर पर एक सैटेलाइट ही हैक कर ली जाए, स्पेस वॉरफेयर का एक हिस्सा है. और आप मान लीजिए आप इंटरनेट पर सर्व करते हैं, एक मेरे पास एक ऐसा सिस्टम मान लीजिए तैयार करता हूं जिसमें मैंने किसी कंट्री पे हमला करना, उसका स्पेस वॉरफेयर उड़ा दिया, उसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन उड़ा दी, यही फ्यूचर है. तो अभी हमें साइबर में नैरेटिव वॉरफेयर. नैरेटिव यह है कि इसराइल के अलावा, कमाल की बात होती ना, इसराइल ने इतने सालों में इमेज बनाई. इमेज कैसे बनती है? काम करने की. और मैम ये विचारधारा है जी. जो लोग इसराइल के, मैम इसराइल पे आप इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट पर हर आदमी बात कर सकता है, और मैं क्या कहता हूं उन दोनों का सुलझाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को पूरी दुनिया को मिलकर सुलझाना चाहिए, हो जाए सॉल्व तो अच्छी बात है, लैंड डिस्प्यूट है. मैम मैं बात करूं, लेकिन क्या आप टेक पे सवाल उठा सकते हो इसराइल के? इसीलिए तो मैंने कहा कि इसराइल खुद के लिए सक्षम है, भारत को सक्षम बनना पड़ेगा.
हम आप कह रहे कि हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, अरे मैम हमारे अंदर क्या क्या लड़के हैं मैम, अरे बाप रे। लेकिन जब दिल्ली के दंगे होते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी नाले में उसकी लाश मिलती है, उसको मार के डाल दिया जाता है, जिसमें एक एक पार्टी के विधायक का नाम आता है, और मैम उसके बाद वो विधायक आज भी विधायक है, कैसे इंटेलिजेंस वालों का मैम मोराल तो बूस्ट करिए। जो व्यक्ति अपना नाम भी नहीं बताता है, मैम एनआईए की बात कर लीजिए, सीबीआई की बात कर लीजिए, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स की बात करिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स जो मैम अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रही है, कोवर्ट ऑप्स यूनिट्स मैम, SG-22 के बारे में तो आज तक किसी को पता ही नहीं है, स्पेशल ग्रुप के बारे में तो आपको भी नहीं पता होगा, आपने बड़े पॉडकास्ट करे होंगे, स्पेशल ग्रुप के बारे में किसी को नहीं पता है। कमाल की बात है, क्या आप इस देश की कुछ ऐसी बच्चियों को जानती है जो 42 किलोमीटर से 50 किलोमीटर लड़कों को टांग के दौड़ सकती है, शादी नहीं करती है, पूरी जिंदगी उनने वतन के नाम की है। मैं बच्चियों की बात कर रहा हूं, ऐसी यूनिट्स के बारे में तो किसी को पता नहीं, मैं उनके बारे में ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी भी यूनिट्स है मैम। स्पेशल ग्रुप के बारे में तो किसी को पता नहीं। आप RANW के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, ठीक है मैम, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग हो गई, इसके बाद ऑप्स कौन करेगा? इंटेलिजेंस विभाग अलग है मैम, उसी का ऑपरेशन विभाग भी तो होगा ना भाई। आपका एक्सरे करने वाला सेम आदमी होता है क्या, और डॉक्टर सेम होता है क्या? वो रेडियोलॉजी वाले अलग लोग होंगे, एक्सरे कोई और कर रहा है मैम। मैं हमेशा कहता हूं कि डिपार्टमेंट होते ना, वकालत में भी क्रिमिनल वाला अलग होगा, सिविल मैटर अलग देखेगा, कॉर्पोरेट लॉयर अलग होगा, इसी प्रकार से एस्पिनाज हो, काउंटर एस्पिनाज हो, इंटेलिजेंस हो, काउंटर इंटेलिजेंस हो, ऑप्स हो, काउंटर ऑप्स हो, बहुत सारी चीजों के मैम स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हम बहुत कैपेबल राष्ट्र हैं, ये हमें जताना पड़ेगा अपने लोगों को। क्या होता है मूवी में क्या दिखा देते हैं, मूवी तो मैम ऐसा कमाल की, मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लेकिन मैं बहुत सिंपल ऐसे प्रोजेक्ट्स में दूर हट जाता हूं। अभी एक स्क्रिप्ट आई मैंने अभी बर्बाद की, वो कहते हैं स्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट है, आप मानेंगे, एक आदमी होता है पहले से आपकी पाकिस्तान में बैठा हुआ, आपका एक एजेंट है, हमारे तरफ से दो हीरो जाएंगे, एक लड़का जाएगा एक लड़की जाएगा, उस एजेंट के पास जाएंगे, उस एजेंट के पास क्या क्या है, उसकी जानकारी है, नक्शा है, बताएगा किसको मारना है, हथियार भी है, अरे बेवकूफ खुद मार लेना, ये स्क्रिप्ट थी। मैंने बोला पागल लोग क्या हर बार वही दिखाओगे? अच्छा बॉलीवुड में इतना आईसिस वाले दिखा दिया, आईसिस वाले मेरे को लगता फोन करेंगे एक दिन, अबे इतने तो हमारे पास भी नहीं है जितना तुम आतंकवादी दिखा रहे हो। दूसरा रॉ के चीफ को उतना नहीं पता जितना बॉलीवुड वालों को पता है कि ऑपरेशन कैसे होते हैं रॉ में, पागल लोग हैं मैम। 90% फर्जी वाला, लेकिन लोग मजे ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको बेसिक नॉलेज नहीं है मैम। जो असल में वतन के लिए काम करेगा ना, वो बैठ के बकैती नहीं कर रहा होगा। हम सीधी सी बात है, कहानियां जो बहुत बड़ी, हर आदमी की कहानी मैम ना, आपने कुछ किया तो आपकी कहानी कोई और बताए ना। आज मैं इंटेलिजेंस वालों की कहानी बता रहा हूं, मैं खुद की कहानी बताने लगू नहीं मैम, ऐसा है उनमें उनके लेवल का मैम कमाल की बात है। हम उस महबूब की बात करते हैं, जो मैं अपने लिए कहता हूँ, सबके लिए कहता हूँ, जो लोग ऐसे, हम उस महबूब की बात करते हैं, तू अपनी महबूब से मिल सकता है, गुलाब दे सकता है, मिल सकता है, उससे शादी कर सकता है। अरे हमारी तो महबूब वो है, हमारी मुलाकात पहले दिन उस दिन होगी जब तिरंगा कफन पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन जिस दिन हम दफन होंगे उस माटी में, हम जैसे हिंदू हैं, मैं सनातनी हूं, मैं दफन नहीं किया जाऊंगा, मैं जलाया जाऊंगा, जिस दिन मेरी राख बहाई जाएगी इस वतन की, उस पानी में, उस गंगा में, उस यमुना में, उस मई में पानी में बहाई जाएगी मेरी राख, उस दिन मैं अपनी माँ से मिलूंगा, जो मेरी पहली मोहब्बत, मेरी माँ, मेरी आशिकी, मेरी इबादत, सब कुछ वो है। तो मैम हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ, सोचिए ये तो मुझसे बहुत आगे लेवल का कर रहे हैं, उनका क्या जज्बा होगा मैम जिसको कोई जानता नहीं। तो इसीलिए मैंने एक लाइन लिखी थी जो बाद में पता नहीं कितनी फेमस है नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे उसको, वी डू नॉट एग्जिस्ट सो दैट यू कैन। जो कहता है ना कि मैंने ये किया, मैंने पता नहीं मैंने उसने कितना किया होगा कितना नहीं, अगर किसी ने सब कुछ किया है मैम तो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनको बड़ा हीरो मानता हूँ जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। जी, जी। तो मैम कैपेबल इनफ है, आप जहां बोलेंगे, जिसको बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मार सकते हैं मैम हमारी फोर्सेस, बट ये है खाली हाथ वाली बात है, आप उनको आदेश भी नहीं देना, इशारा काफी होता है मैम, इशारा काफी है ना। जो इश्क में है उसे महबूब का दुपट्टा काफी है, जो इश्क में है उसे महबूब का दुपट्टा काफी है, इशारा ही काफी है। उस निगम तुम्हें आंखें खुली देखना छोड़ो, जो इश्क में है उसका पलक मारना ही काफी है। तो इश्क है ना मैम, ये तो मोहब्बत का सर्वोच्च क्या है मैम, आप सबसे बड़ा महबूब के लिए कोई जान नहीं देता मैम, सोचिए आप, ज्यादा से ज्यादा विरह हो जाती है, लेकिन अब बात वो भी, अब वो महबूब भी नहीं है जिसके लिए जान दी जाए तो क्योंकि वो आज तेरी महबूब है, कल किसी और की थी, परसों किसी और की होगी, लेकिन हम उस महबूब की बात करते जो माँ है, क्योंकि मैम महबूब बदली जा सकती है और महबूब अपना आशिक बदल सकती है, माँ एक ऐसी चीज है मैम बदली नहीं जाती। जन्म जिसने कोख में रखा है मैम, जब हम उसको इतनी इज्जत देते हैं हमारे धर्म में, तो मैम जिसने हमको सब कुछ दिया, मेरी पहचान दी भारत, एक भारतीय होने की, मैं उसके लिए क्या ना कर दूं मैम, मेरा ये तन मन वही है ना कि धर्म त्यागू कर्म त्यागू देश की खातिर, देश की वही ना, धर्म त्याग कर्म त्यागू मरण त्यागू देश की खातिर धर्म त्यागू, अरे देश ही धर्म कर्म है मेरा, अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर रंग त्यागू, जो कह वो त्यागू, मां तू इशारा तो कर।
तेरी तो एक पलक काफी है जान देने के लिए। मतलब क्या कहना, मतलब शब्दों में बयां करने वाली चीज होती तो वो औरत कहता। आपकी आंखें भर आई बात करते करते। मैम कर से नहीं चुका पाएंगे इस जन्म में, क्या 100 बार जन्म लेंगे ना तो भारत माँ का, लोग कहते हैं ना आप कुछ कर रहे हो, मैं 1% भी नहीं चुका पाऊंगा, 100 बार भी जन्म लूंगा। दुख होता है जब देश में लोग आपस में लड़ते हैं। मैम उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसका कोई नाम नहीं है, वो आज इस वतन को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है, फिर क्या देखता है कि हम जिनके लिए लड़ रहे थे वो तो आपस में लड़ रहे हैं। उसको क्या लगता होगा जो शहीद होकर वहां आसमान में बैठा होगा, जो अपनी बलिदान दे के गए इस राष्ट्र के लिए, वो क्या सोचता होगा, क्या हम इनके लिए मर गए जो आपस में लड़े पड़े हैं। अरे मिलके रहो यार जी। तो ये सब चीजें हैं मैम, वी आर कैपेबल एनफ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हम कभी किसी दिन इस राष्ट्र के काम आ पाए। जी सर, दुनिया भर से खबर आती है कि अननोन गनमैन ने किसी क्रिमिनल या किसी यू नो वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया, उड़ा दिया। सोचने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग मारे जाते हैं वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और क्या इसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन इंटेलिजेंस का यू नो कोई हाथ है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि सरकार डिनाई करेगी हमेशा, क्योंकि वही काम है सरकारों का। और सीधी सी बात है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं मैम। कैसे होते हैं कि आपने फिर बहुत सारी यूनाइटेड नेशन चच्चा कुछ करती नहीं, यूनाइटेड नेशन में नाटक करने नाटो फाटो सब आ जाते हैं। एक्चुअली हमको ही निपटाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ अपने भरोसे रहो, किसी और के भरोसे मत रहो। तो यहाँ सिंपल सा ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी बनी बात है मैम, मैं जितना अज्ञान व्यक्ति हूं, मैं अनपढ़ हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, आपने कैसे कह दिया कि इसराइल ही करता होगा, इतनी सी बात है। अगर यहां पर कुछ होता होगा, मैं कहता हूं कि हाथ नहीं साबित करना चाहिए, खुद है, पूरे हैं, हम ही लोग करवा रहे हैं, डिसाइड कर दो और बोल दो। उसका कारण है सरकार इसलिए कहती है मैम कि रिश्ते अच्छे रखना है। जैसे हम जैसे आदमी, हमको किसी को रिश्ते अच्छे रखने की कोई जरूरत, काम कुछ आते नहीं। आम, नींबू, मिर्च, अदरक, लहसुन, इस सब का अचार बनता है, अचार के लिए ये सब काफी है। हम रिश्तों का अचार डाल के हमको कुछ नहीं करना, हमको किसी को रिश्ता रिश्ता नहीं रखना। वतन से क्लियर रिश्ता है, बेटे हैं, माँ को प्यार करते हैं, माँ जो माँ का जो आदेश अंतर्मन से आता है और जो मेरा इष्ट सिखाता है, मेरी भगवती भोलेनाथ, हम वो करते हैं। हमारा सिंपल सा, पाकिस्तान में जितने बैठे हैं जो भारत के खिलाफ है, पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पे भी हो, मैं कहीं पे भी छुप जाए मैम, इनको घर में घुस के मारना चाहिए। सरकार की तरफ से मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ, चाहे कोई भी यूनिट हो, कभी इसको मैम डिनाई करेंगे कि हमारा कोई लेना देना, मैं कहता हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव है सरकार को, जो मान लो वो उधर कोविड में भी मरा ना और बड़ा आतंकवादी था, तो कह दो कि हमने मारा इसको। सीधी सी बात है, ब्रांडिंग का खेल है। अगर वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनने भी तो की ना मैम इतने साल चिंदी चोर, उन्हें की ब्रांडिंग, हम मार रहे हैं। और जो बचे हैं मैम, सीधी सी बात है, जो जा चुका है उसको भी राम राम, जो नहीं गया है उसको मारने के बाद राम राम, लेकिन भेजेंगे सबको राम राम कर देंगे, उसका कोई नहीं है। उनके कानों में आखिरी आवाज आतंकवादी भी मरे ना तो गूंजती हुई आना चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जब वो आखिरी याद लेके जाएगा ना ऊपर, तो उसकी याद में होना चाहिए मेरा तिरंगा। उसको मारो, लेकिन उसको मारने के पहले जो तिरंगा जलाने की कोशिश कर रहा है, पहले तिरंगा दिखाओ उस साले को, ऐसा इसने मरवाया है, तभी मैम। और उसका संदेश होना चाहिए, क्यों नहीं मूवीज बनती है ओरिजिनल ऑप्स पे, बनना चाहिए मैम। और मेरा हमेशा ये मैम, हमें अपने योद्धाओं को पहचानना पड़ेगा, हमें बॉलीवुड के लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, जो ये लोग हैं मैम, आप सेलिब्रिटी का मतलब ये तो, सेलिब्रिटी तो फिर मैम, सेलिब्रिटी तो बुरा और अच्छा दोनों में लोग बन जाते हैं, जिसको सेलिब्रेट किया जाए वो नहीं है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैम। अगर हम सब इन सब बारे में बात करने लगे मैम, क्यों नहीं, राष्ट्र अपना है मैम, सुरक्षा सब हमसे चाहिए, लेकिन तुम अगर किसी और देश का करोगे, कोई भी हो चाहे, तो ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। जिस दिन भारत का हर तबका भारत को सर्वोच्च रखेगा ना, मैं मेरा सिंपल है मैम, मेरे को ना किसी प्यार, ना किसी दुश्मनी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तूने भारत से की दोस्ती तो मेरी दोस्ती, भारत से किया बैर तो मेरा बैर, बहुत सिंपल सा मैम। इसीलिए हम अपने तरीके से जो कर सकते हैं करेंगे ना, लेकिन रही बात इनकी, जिसको जो करना बस मेरे भारत के खिलाफ मत करो, रही बात हमारी, हम तो मैम आज भी तैयार हैं, जो चाहिए वतन के लिए मैं करने तैयार था, हूं और रहूंगा। छोटे छोटे बदलाव लाने पड़ेगा, उदाहरण के तौर पर जय हिंद बोलना शुरू, इतनी सी छोटी सी बात है मैम, इसी से माहौल बदलेगा। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हमारा है भी नहीं मैम, जय हिंद, हो सकता है भारत माता की जैसे कुछ किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, जय हिंद से तो किसी को नहीं, जय हिंद मतलब जिस जगह पे पैदा हुए हो, ये इस जगह को तो आप करोगे ना, तो इतना सा है ना। बाकी देखिए सबका सब कुछ चलता रहेगा, अपन अपना, जो मुझे समझ में आता है तुच्छ ज्ञान के हिसाब से वो करता रहूंगा। कर्ज है भारत माँ का, कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, कर्ज है लहू की आखिरी बूंद तक और जिस्म की आखिरी सांस तक, इसको मां माना था, हर जन्म में मानूंगा,
हजारों बार आऊंगा क्योंकि मुझे इस बात की परमिशन है, मैं भारत की भूमि पे आना चाहता हूं और हर बार माँ तेरा कर्ज चुकाने का प्रयास करूंगा, शायद 1% चुक पाए और कुछ नहीं। सर मैं ये पॉडकास्ट एंड तो नहीं करना चाहती क्योंकि लंबा डिस्कशन, बड़ा ही अच्छा लग रहा है कॉन्वर्सेशन आपके साथ। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि शत शत प्रणाम है सर आपको। मेरा प्रणाम है मैम। ये ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई सामने कोई मूवी चल रही है और एक योद्धा से बात कर रहे हैं। नहीं मैम, योद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, छोटा सा एक भारत माँ का भक्त हूँ और कुछ नहीं है मैम। आप जैसी जो देवी तुल्य जिनको हम कहते हैं भगवतिया है, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखे हम जैसे लोगों के लिए, पूरा प्रयास करेंगे। भगवती का उपासक हूँ, तीन माँ का उपासक हूँ, पहली माँ जो भारत माँ है, दूसरी जिस माँ ने जन्म दिया मैम, और तीसरी माँ जो अंतर्मन की एक आत्मा होती है जिसने मुझे सिखाया, वो माँ है, आत्मा है। तो इसीलिए मैम अगर आप कुछ कह रही हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम। कोशिश करेंगे कि कभी जो आपने भरोसा किया है वो कभी टूट ना पाए। जो लोगों ने भरोसा किया है कि शायद हम इस देश का, मुझे इस देश में कुछ बनना नहीं है मैम, मुझे ये कि मेरा देश कुछ बने, मैं क्या बनूंगी मैम, माटी के पुतले हैं, पता नहीं कब से हजारों हमारे जैसे आए, लाखों हो सकता आएंगे, दफन हो जाएंगे, बस ये है समर्पण है माँ को और आप जैसी हर महिला हर स्त्री को मेरा ये है। और बस मैम कोशिश करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑनर बीइंग हियर। थैंक यू मैम, वंदे मातरम। थैंक यू ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बड़ा अच्छा लगा होगा, ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हर इंडियन ने, हर भारतीय जो बाहर भी है, सभी हर व्यक्ति ने ये एपिसोड देखना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। और थैंक यू सर अगेन फॉर ऑल द इनसाइटफुल नॉलेज दैट यू हैव। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।